हेलो 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 गुड मॉर्निंग पुणे जोर से यार morning, मैं दिल्ली से आया यहां तुम्हारे लिए और बीती रात मैंने डिनर भी नहीं किया क्योंकि मुझे बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता और इस उम्मीद में कि खाना तो आप लेके आए होगे ना तो क्या दिक्कत है आप नाश्ता भी लेके आओगे हो गए लंच भी लेके आए होगे ना बस एक एक बाइट लिया तो काम हो जाएगा प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और इस समय हमारे जो ऑनलाइन स्टूडेंट हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है वैसे स्वागत आपको मेरा करना चाहिए क्योंकि मैं आपके घर में आया हूं राइट लेकिन फिर भी क्लास तो मेरी है इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत है ये ए ऑन करवाना तो और बताओ क्या हाल चाल घर पे सब ठीक ठाक सब मौज बाहर इनकम टैक्स कंप्लीट हो गया अच्छा तो अब ड्राइविंग सीट पर हम बैठे हैं और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे हमारे जो थर्टी लेक्चर्स होंगे आगे के बेहद शानदार होंगे इन लेक्चर्स के अंदर हम लोग इवन मैं पहले जब आया था चार छह दिन पहले तो कौन कौन लोग यहां मौजूद थे अच्छा अच्छा कौन कौन नहीं थे इक्का दुख का लोग नहीं थे बाकी सब लोग मौजूद थे फिर भी शॉर्टकट में थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि हम किस तरह से अपनी बातों को आगे बढ़ाकर चलेंगे जीएसटी आपके लिए एकदम नया सब्जेक्ट है एज ए फ्रेश ब्लैंक पेपर की तरह इनकम टैक्स में फिर भी आप लोगों को पहले से हल्की फुल्की नॉलेज होती है कुछ स्लैब पता होती है कहां क्यों कैसे लगता है एक हल्की फुल्की समझ होती है लेकिन जीएसटी एकदम नया है मैं आपसे वादा करता हूं कि इसको हम रियलिटी के साथ समझ के चलेंगे मौज मस्ती के साथ में और थ्योरी के साथ साथ जो जीएसटी पोर्टल है नाम तो सुन रखा है ना हाँ हाँ सुन रखा है जो जीएसटी पोर्टल है मैं उसे यूज करना आपको सिखा दूंगा वो भी खेल खेल में कोई बिना किसी सीरियसनेस के साथ यानी जब आप ऑफिस में जाएंगे ना तो आपको सारे काम करने आते होंगे आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्लाइंट का रिटर्न फाइल कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं ईवे बिल बना सकते हैं सारे काम कर सकते हैं जो ऑफिस में आपको करने होते हैं नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें कोई काम प्रैक्टिकली करना नहीं आता ना तो हम उससे भागते हैं ऑफिस भी जाने का मन नहीं करता है लेकिन जब हमें कुछ करना आता है तो उस काम को हम दौड़ दौड़ के करते हैं हां बोलो हां हाँ। बिल्कुल ठीक बात है इसके साथ साथ जीएसटी पोर्टल के साथ साथ क्योंकि कंसेप्ट की समझ के लिए बहुत जरूरी है आप देखना फील करोगे खुद इस चीज को कि जब हम थ्योरी के साथ उसको कनेक्ट करके चलते हैं तो किस तरह से हमें चीज किस लेवल पर जाकर समझ में आती है और शायद वो हमें रिवाइज भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है इसके साथ साथ हम यहां पर भी करके चलेंगे आज ही आपको सैंपल देके चलेंगे हम कि किस तरह से हमारे डेमोज होते हैं और कैसे कैसे आप उनमें पार्टिसिपेट करेंगे कुछ जो आर्टिस्टिक लोग हैं यहां पर उनको हम बुलाएंगे एंड देन अपना डेमो हम देकर चलेंगे ऐसे करके ठीक है तो आइए अब मैं काम करता हूं कि बाकी सारी बातें बाद में होती रहेंगी मुद्दे की बात पर आ जाते हैं शुरुआत करते हैं ठीक है बाकी धीरे धीरे आप सब समझ जाओगे कि हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे एक अहम बात और बता दूं इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्लासेस चल रही हैं आपकी यह सीएमए इंटर के लिए भी अवेलेबल हैं होता क्या है कि सीए इंटर की तो उन्हें करनी ही करनी है उनके सिलेबस में कुछ एडिशनल टॉपिक्स और होते हैं तो उन एडिशनल टॉपिक्स के लिए मैं अलग से उनको एक बुकलेट देके चलूंगा और अलग से उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा के चलूंगा तो कोई है यहां सीएमए से यस yes, कुछ लोग हैं सीएमए से यहाँ पर तो सीएम इंटरमीडिएट वालों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा तो इन क्लासेस को आराम से करें देन वी विल कवर एप आप चलो जी। तो ये हमारी बुक है और ये बुकलेट मैं आपको बंटवा रहा हूं आपको किताबें मिल रही हैं साथ में एक डायग्राम भी आपको मिल रहा होगा मिल रहा है ना हाँ एक चार्ट भी आपको मिल रहा होगा और ये चल गया नहीं चल गया थोड़ा तेज करो उसके फैन तेज करो कूलिंग बढ़ाओ ये एक चार्ट है आपका जो आपको मिला होगा मिल गया नहीं मिला अच्छा ठीक है और ये रहा आपका बुकलेट हाई ऑनलाइन हमें कैसे मिलेगा सर जी तुम घर बैठे तो मिलेगा कैसे टाइम लगेगा तुम तक पहुंचने में है कि नहीं चलो जी तो ये मैसेज नहीं आ रहे बोलो बोलना सुनो सुनो मैसेज नहीं आ रहे बच्चों के ना यहाँ पे इसको बोलो जरा अरे इसको बोलो ये नहीं आ रही स्क्रीन ये स्क्रीन नहीं आ रही वाली टेक्निकल वाला बंदा कहाँ है ये वाला है बुला कला ए भाई एसी भी चलाओ भाई सारे वो वाले से चलाओ क्या मरवाओगे तुम्हें तो सारे एसी ऑन कर दो अच्छा सर थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ प्लीज और सर uh, ऑनलाइन कब तक मिलेगा डिस्पैच हो जाएगा आज तो एक दो दिन में मिल जाएगा ऑनलाइन इनका है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग निखिल है संजना है यश है गुड मॉर्निंग टू ऑल चलो जी हो गया ये ए ऑन कर दिया ये वाला ऐसे? तो जो ऑनलाइन बैठे हैं ऑडियो वीडियोज ओके यस सर यस 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 हमको पीडीएफ मिलेगी क्या अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ आपको आज में ठीक है चलो ग्रुप में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में तो हालो 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 डिस्ट्रीब्यूशन हो गया अरे यार चार यार फटाफट से मैं तभी शुरू करूंगा ना पहले बढ़ जाए सारा तब तक कुछ और बात कर ले ये पर्सियन का क्या चक्कर है यार ये पर्सियन पर्सियन तुम करते हो क्या मामला है इसका ये कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे तुम्हारा तो बैच का नाम भी पर्सियन था कुछ ऐसे करके मतलब ये पर्सियन बैच है ये कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे इधर

कि अभी वॉर चल, अच्छा चल रहा है ना अच्छा वॉर चल रहा है ओके तो वैसे उसको अच्छा भी कहा जाता है कभी आ, दुस... मैं समझ नहीं पाया प्लीज एलेबोरेट सर मुझे ही नहीं जम रहा है कैसे एलेबोरेट करूं कोई और है ओ भाई साहब आ जाओ बैठो से ये बताएगा <laughs> क्या बात क्या बात क्या बात गुड मॉर्निंग क्या नाम है तुम्हारा कमलेश कमलेश आए हैं और बताने के लिए कि पर्शियन का क्या सीन है यस yes, सर सर पर्शियन का ऐसा सीन है कि सर हमें चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वंश के घर पे रेड पड़ी थी अच्छा ठीक है तो उसके घर पे अपने को मस्त रशियन मॉडल मिली पर्शियन मॉडल मिली <laughs> तो बात ऐसी हुई कि सर का ये वीडियो किसी ने वायरल कर दिया तो अभी टू मिलियन तक का व्यू चला गया तो सर की फेवरेट बैच है पर्शियन बैच तो इसने बहुत काम कर रखे है सर अच्छा एग्जाम्पल फेमस हो गया है आजू बाजू रास्ते में चलते चलते सब इसको जानते हैं इसको यही है यही है वो सर तो पर्सियन का जो ओरिजिनल है वो यहाँ से निकल के आया है थैंक यू थैंक यू सो मच यार थैंक यू थैंक यू अच्छा भाई बटके चार्ट ये वाला एसी ऑन कर दिया एसी सी वाला हम्म चेक कर दोनों एसी ऑन हो गया आपका अरे यार बच्चों गर्मी लगेगी मॉडल नहीं स्टैचू मिले थे अच्छा स्टैचू मिले थे स्टैचू क्यों मॉडल के स्टैच्यू क्यों उसका क्या रूल है अरे समझदार हो तुम बहुत समझदार हो तुम तो। अच्छा आई डिटी की कॉपी कितने पेजेस की होगी चाहिए बता रहे हैं रुकिए जरा तो शुरू करें बाबू तो एक बात ध्यान रखना मैं देख रहा हूं कि कुछ चेहरे थोड़े से उदास से बैठे हैं उनका रशियन पर्शियन इन शब्दों से भी कोई मतलब नहीं है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा उन पे ना तो कहते हैं कि जब भी घर से निकलो जब भी घर से निकलो मुस्कान पहनकर निकलो स्माइल अरे स्माइल की बात कर रहा हूं थे। थे। <laughs> पहन कह सकते हैं जब भी घर से निकलो मुस्कान पहन कर निकलो मुस्कान साथ है स्माइल मुस्कान साथ है तो दुनिया साथ है वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती है तो इसी आज के सी थॉट के साथ हम थोड़ा सा अपने बातों को और आगे बढ़ाते हैं अच्छा एक बात तो सब बात बात करेंगे पहले बात कुछ बातें कर लें अपनी ना मन की बातें कर लें। सबको पता है जीएसटी फोर्टी मार्क्स का है आगे जब न्यू सिलेबस कभी आएगा तो उसमें फिफ्टी मार्क्स का है यानी कि सबको पता है कि जीएसटी कुछ अपनी वेटेज ज्यादा रखता है ये तो बेचारे के साथ में थोड़ा सा लाइक गलत हुआ है कि फोर्टी मार्क्स का कर दिया गया है तो इसके बढ़ ज्यादा नंबर होने से ना कई सारे फायदे बन जाते हैं हमारी फीस भी बढ़ जाती है अकॉर्डिंगली ना चालीस से पचास है ना वैसे करके हो जाती है आपके और घर में कितने मेंबर्स हैं कुल मिला के चार मेंबर्स हैं कौन कौन मम्मा पापा एक भाई और एक आप है वेरी गुड चार मेंबर है आपके घर में है? चार हैं सेम है ऐसे है जी आपके घर में हम हम दो हमारे तो हाँ उसके भी कितने है? एक दो तीन चार नौ नाइन आठ आठ मतलब ऐसा तो नहीं कि पड़ोसी को भी अपना परिवार बता रहे हो तुम कि चार आपके चार पड़ोसी ऐसे तो नहीं है आ, आप दो बारह जोरदार तालियां के लिए बारह अरे यार मतलब मुझे समझ में आ गई वो बारह क्यों उन्हें तीन फैमिली पड़ोसी जोड़ दिए आजू बाजू दोनों जोड़ दिए बारह हो गए वेरी गुड अच्छा ये घर चलाता कौन है कमाता कौन है पापा मम्मा मम्मा घर संभालती है गुड आपके यहां दोनों वर्किंग है वर्किंग तो देखो जो मम्मा है उनको बोलते जो घर संभालते हैं वर्किंग नहीं है अरे भैया वो तो छुट्टी भी नहीं मिलती उनको तो सैलरी भी नहीं मिलती लेकिन वर्किंग उनसे ज्यादा है जो ऑफिस में जाते एम आई राइट लेकिन तो ऐसे बोलते लेकिन बोला जाता कि नहीं नहीं नॉन वर्किंग है घर पे ही रहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए खैर पर वो कमाई दिखती नहीं है है ना ना सरकार को भी दिखती टैक्स भी लगता है उसके ऊपर ना काम ही करवाया जाता है बस आठ जिनका परिवार था उनमें आ, अर्निंग पर्सन कितने कमाने वाले पिताजी हैं फादर जो हैं वो आ, अर्निंग पर्सन है वेरी गुड तो अच्छा बारह वाले मैं बता दो ट्वेल्व दो लोग हैं दो अर्निंग पर्सन तो मतलब मैं क्या पा रहा हूं कि चार से लेकर बारह लोगों तक की फैमिली है और उसमें अर्निंग पर्सन एक या दो हैं कमाने वाले एक का दो का बाकी सारे खाने वाले हैं ठीक है ऐसे करके है ग्रेट तो जो कमाई आती है जो अच्छा आ, करते क्या है आई थिंक बिजनेस करते होंगे जॉब करते आ, आपका बिजनेस आपका दोनों करते एक जॉब करते एक बिजनेस करते वेरी गुड और तो कुछ नहीं करते ना दो चीजें होती है बस नहीं होती दो हैं एक जॉब होगी या फिर बिजनेस होगा है ना वैसे अच्छा, मेरी जॉब है या बिजनेस है ये? मैं समझ लिया ना ये जीएसटी से हमारा कोई मतलब नहीं है हम तो बात कर रहे हैं आराम से ठीक है ना तो दिमाग में लोड वोड मत देना आप ये बात कर सकता हूँ आप आज की क्लास में आप मुझे जान लो और मैं आपको जान लू ये अर्शियन पर्सियन जो ये बीच में एक पर्दा सा अटका हुआ ना आप बोल नहीं पा रहे हैं खुल के तो थोड़ा खुल के बोलना सीख जाए आप हो तो सकता है कि कल को मैं बताऊं कि पर्सियन का मतलब क्या है आपको ठीक है जब बोल नहीं पा रहे हो कैसे कैसे समझाऊं मैं आपको आज पहला दिन है आपका मुझे क्या पता आपका कि किस तरह का मूड के व्यक्ति हो आप सब समझ जाओगे रह लो हमारे साथ दो चार दिन जी पकड़ के बात को चार से बारह की फैमिली है और एक एक या दो लोग अर्निंग पर्सन है अच्छा जो कमाई आती है तो अगर जॉब करते तो सैलरी आती है महीने के महीने और अगर बिजनेस करते हैं तो अब, क्या आता है प्रॉफिट अच्छा बिजनेस या तो सर्विस सेक्टर में होंगे या फिर मर्चेंडाइज गुड्स वगैरह में या ऐसा कुछ करके ना गुड्स सर्विस दो ही चीजें होती हैं इनमें डील करते हैं ना वैसे करके गुड हम्म अच्छा जो पैसा आता है प्रॉफिट के रूप में आता है या फिर सैलरी आती है तो उसका करते क्या है मैं उनसे पूछूंगा आप बताइए ना क्या करते हैं जी देखो एक बात बताऊं यार बिल्कुल भी ना टेक्निकन मत होना बिल्कुल फॉर्मल मत होना बिल्कुल बुकिश मत बनना जो है रियलिटी ट्रूथ लेमैन वही रहना एक्स्ट्रा मत करना कुछ पे बी नेचुरल हाँ साहब है जी नॉर्मल करके खर्चे राशन पानी हम हाँ मतलब घर में जो चाय चीनी की पत् और ये सब अपना जो बिस्किट नमकीन सब आते हैं कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक ये सब आते हैं और भी कुछ खाने और पीने की चीजें आती रहती है मुंह खुल जाता है पीने के नाम पे हाँ एक तो शुरू भी कर दिया पानी ही ना तो और और ऑनलाइन तू बता सर ईएमआई जाती होगी ना अगर कोई ऑब्वियसली बात है हर व्यक्ति की एम जाती है मेरी भी जाती है और कार की भी हो सकता जाती हो और घर की भी जाती हो राइट एंड कभी पार्टी फंक्शन या किसी की हो तो वहां पर भी खर्चा करना पड़ता राइट अच्छा ये ये जो चार से बारह लोगों की फैमिली है ये ये आपकी बारह लोगों की फैमिली राइट तो खर्चा इन्हीं के बीच में होता है या किसी पड़ोसी के लिए भी खर्चा कर देते हो पड़ोसी के बच्चे की फीस कौन भरता है आपकी वो मतलब आपके पिताजी आपकी फीस भरते राइट मतलब आपके जो ना, आपके लिए काम करें राइट पड़ोसी के लिए कोई काम नहीं करता है तो पड़ोसी पैसे क्यों करते हो यार तुम उसके पड़ोसी वो तुम्हारा पड़ोसी यार ऐसे क्यों करते हो पड़ोसी को हमेशा ना गंदी नजरों से देखा जाता है पता नहीं क्यों है ना ठीक है तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सब अपने अपने कामों में हैं लेकिन अभी हम और आप जो रोड से चलकर आए हैं तो ये किसने दिया इसका पैसा आपके घर से गया था आपने रोड बनवाई थी कि प्रस्टीज पॉइंट तक क्लास में जाना है तो रोड बनवाई जाए हमारे लिए बाबू जी आ रहे ठीक है, है आपके घर से नहीं आपने बनवाई थी नहीं तो हम लोग जहां पर चार से बारह लोगों की फैमिली है उसको चलाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं सैलरी कमा रहे हैं और अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा कर रहे हैं यहां तक कि पड़ोसी के लिए भी एक रुपया खर्च नहीं कर रहे राइट तो अगर परिवार को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा देशभक्ति की भावना अंदर लाई जाए और 140 करोड़ लोगों को एक परिवार माना जाए तो इस परिवार को कौन चलाएगा आपके हमारे घर में एक दो लोग अर्निंग पर्सन है इस पूरे परिवार को कौन चलाएगा वेरी गुड या आप जानते। मैं मैं बताऊं मैं मैं नया तुम्हें इतना सभी सिखा जाऊं तो कहना लोग कहते हैं पहले हैं। बहुत नया ऐसी की तैसी कुछ नहीं सिखाऊंगा तुम्हें नया तुम्हारे अंदर से ही निकालकर तुम्हें ही देकर जाऊंगा पुणे का माल पुणे में ठीक है अच्छा कहां थे हम <laughs> 140 करोड़ लोगों की फैमिली है चलाती है सरकार अच्छा जो छोटे छोटे कंट्री हैं वहां इकलौती सरकार होती है हमारा देश बहुत बड़ा है तो सरकार दो लेवल पर इवन तीन लेवल पे काम करती है सेंट्रल लेवल थोड़ा और स्टेट आ गया फिर म्युनिसिपैलिटीज लोकल अथॉरिटीज वो आ गई हालांकि उसको ज्यादा कोई पूछता है नहीं म्युनिसिपैलिटीज को मुख्य रूप से प्रिंसिपली दो ही आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट को पर यार एक चक्कर है कि हमने अपनी पर्सनल नीड पूरी कर ली अब मोदी जी या कोई और सरकार है कोई भी गवर्नमेंट हो वो यार हमारे राशन पानी जो घर में आता है चाय चीनी पत्ती इसके लिए तो नहीं कुछ करेंगे लेकिन हमें जो कॉमन नीड्स हैं हम सबकी जो नीड्स हैं उनके लिए बारह लोगों का परिवार नहीं है उनके लिए 140 करोड़ लोगों का परिवार है उसको देखना है कि उसकी नीड क्या है राइट पिताजी ने देखा आपकी नीड क्या है फीस भरनी भरी लेकिन उनके एंगल से देखा जाए बड़े परिवार के एंगल से देखा जाए तो नीड क्या है आपकी आपके लिए सड़कें चाहिए आपके लिए ब्रिज चाहिए आपके लिए हॉस्पिटल चाहिए आपके लिए स्कूल चाहिए लॉट्स ऑफ एबुलिटीज आर रिक्वायर्ड टू लिव द लाइफ हमें राइट रोटी कपड़ा मकान पूरा पहले सुनते आए हैं रोटी कपड़ा मकान हेल्थ एजुकेशन पांच चीजें बड़ी जरूरी होती हैं लाइफ के लिए लेकिन सब कर ये पड़ जाता है यार फैमिली इतनी बड़ी लेकिन सरकार का कोई बिजनेस तो है ही नहीं सोचने वाली बात है यार उनके पास पैसा कहां से आएगा वो क्या करे उनका अपना अपना परिवार है एक सौ चालीस करोड़ लोगों का पर वो करे तो क्या करे कहां से आएगा पैसा तो कहते हैं कि तेल तिलों में से ही निकलता तिल समझते हो तेल निकलता उसमें क्योंकि तो बारीक बारीक सा होता सीड्स होते हैं उसके तेल में से ही निकलता है इसका मतलब यह हो गया कि आप हमारे घर में जितने भी अर्निंग पर्सन हैं, वो जो कमाई कर रहे हैं उसी में से ही एक सरकार काट लेती है कि थोड़े छींटे यहां भी गिरा दो खुद ही करते रहोगे अरे देख लो ऑनलाइन कैसी कैसी बात करते हैं ये मुझसे तो शर्म आ जाती है मुझे कभी कभी तो कि थोड़े चीटे यहां भी गिरा दो तो उनसे कहा जो अर्निंग अच्छा जो कमाई नहीं रहा जिसका अर्निंग ही नहीं है बिल्कुल भी तो के कह ठीक है ठल्ला आदमी छोड़े उसको विल लाए तो लेकिन जो कमा रहा है उसको पकड़ा जाता है तो सरकार ने उनसे जो बाइट लिया इस बाइट को नाम दे दिया टैक्स का किसका टैक्स का अभी जो बाइट है इसका नेचर क्या रखा जाए जस्ट लाइक डोनेशन जो दे उसका भी भला जो ना दे उसका भी ऐसा अगर कुछ ऐसा बनाया जाए तो कोई देगा क्या लेकिन अगर वो ले आए डंडा है और लठ लेके आ जाए अगर तो अब देगा कैसे नहीं देगा ना तो इसका नेचर कैसा है कंपल्सरी है ऑप्शनल है कंपल्सरी है कंपल्सरी एक्सटॉर्शन है ये है ना एक्सटॉर्शन हालांकि एक्सटॉर्शन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आता है हफ्ता वसूली मतलब जो भाई लोग होते हैं मुंबई में आप देखते हो ना भाई साहब दो दो खोके। दो खोके। लेकिन लेकिन हम यहां पर बोल रहे हैं कंपलसरी एक्सटॉशन मतलब कि ये भी एक हफ्ता वसूल गुंडा कर दी होगी फिर तो ये लेकिन नहीं कंपलसरी एक्सटॉशन है और एक एक्ट के थ्रू हमसे कलेक्ट किया जाता है किसके थ्रू एक्ट के थ्रू हमसे कलेक्ट किया जाता है एक्ट बनाकर और एक्ट बनते हैं भारत के संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से और वहां से कुछ निकला हुआ है तो वो पवित्र माना जाता है प्योर माना जाता है लीगल माना जाता है राइट right? हम सभी कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हुए हैं तो जब वही एक एक्सटॉशन मनी को लीगल वे में लिया जाता है तो उसे कह देते हैं टैक्स एक बात आपने और सुनी होगी जो टैक्स का पैसा है ये हमसे दूर कहीं नहीं जा रहा ये पैसा बारिश बनकर हमारे ऊपर ही बरसता है एम आई राइट right? डेवलपमेंट की बारिश बनकर हमारे ऊपर ही आएगा हमारे लिए ही पैसा खर्च किया जाता है सरकार तो कहती है कि भैया हम तो फकीर आदमी हैं झोला लेके चले जाएंगे तो वो अपने लिए कुछ नहीं रख रही सरकार कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए ही है अब उन्होंने टैक्स के दो नाम दे दिए डायरेक्ट और इंडा हर चीज दो तरीके से होती है डायरेक्ट और इंडा <laughs> हा अब अंतर कैसे करें? सही समझ रहे हो मैं समझ गया तुम्हारी बात सही पकड़ रहे हो कैचिंग पावर अच्छी है आपकी कोई भी चीज हो दो तरीके से डायरेक्ट और इंडा अच्छा इंजेक्शन दे रहे है? इंजेक्शन लगाना मुझे किसी को कौन लगवाएगा ये क्या इंजेक्शन है क्या और क्या है ये नहीं बाजू पर करनी पड़ेगी ना इसकी बाजू ऊपर हो जाएगी बट तो पानी दवाए ऊपर नहीं हो रही ठीक से बाजू इधर जहां इसकी बाजू पर जाएगी देखो ठीक है? ये इसको अगर इंजेक्शन लगाऊंगा तो दर्द आपको होगा या इसे इसको लगा तो दर्द किसे होगा भाई और अगर किसी और को लगा दू जो अगर तुम्हारे किसी चाहने वाले को लगाऊं तो फिर दर्द तुम्हें होगा या उसे दर्द उसे होगा या तुम्हें तो होगा अच्छा अच्छा आपने देखा होगा कि क्लिनिक पर कभी देखा होगा कि मां अपने छोटे से बेबी को लेकर आती है डॉक्टर के पास में और डॉक्टर इंजेक्शन देते छोटे बेबी को तो छोटा बेबी तो बाद में रोता है तब तक इंजेक्शन लग चुका होता लग के शरीज बाहर आ चुकी होती है तब उसे पता लगता कुछ हुआ है बेटा तो जब इंजेक्शन छोटे से बच्चे को लगता है छह महीने के बच्चे को लगता है तो दर्द बेबी को होता है कि मां को होता है यही तो है कि जिसको लगा दर्द उसी को हुआ तो डायरेक्ट टैक्स है और जब लगा किसी एक को और दर्द कहीं और हो रहा है तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है ठीक है बैठो बैठो इसे बोलते इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है जी तो इंपोज लगने को बोलते इंपोज होना कि जब इंपोज एक पर होता है और बर्डन भी उसी पे पड़ता है तो वो डायरेक्ट है और इंपोज एक पर हुआ और बर्डन कहीं और चला गया उसका दर्द कहीं और चला गया वो बन जाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स प्रेम से बोलेंगे राधे राधे अब सुनो आगे आपका हमारा एग्जाम्पल लेते हैं मेरी फीस कितनी है जीएसटी की बताइए हैं? आपने फाइनल अमाउंट कितना पे किया है हजार सिक्सटी वन सिक्सटी वन टोटल ना इंक्लूडिंग जीएसटी अब कौन होनहार बच्चा है जो छह हजार एक सौ में से जीएसटी को अलग कर सकता है इसमें जीएसटी कितना भरना पड़ेगा मुझे जो सही जवाब देगा उसे दस रुपए का पेटीएम क्लास के बाद दिया जाएगा पहला सही जवाब गलत नेगेटिव मार्किंग है नहीं जिससे पूछू वो एटी मैं करके देखूं तुम्हारा भरोसा नहीं मुझे नाइन थर्टी क्या बात कर रहे हो यार आपने कैसे कैसे करके किया है छ हजार एक सौ एटीन परसेंट है ना अरे वो कहा है इसका? स्क्रीन चेंज नहीं हुई हाँ ये इंटू एटीन ना डिवाइड बाई हंड्रेड ये ये किसने किया ये किसने किया ईमानदारी से यार मतलब देखो शर्मा ना मत प्लीज जो लोग शर्माते ना वो बहुत आगे तक नहीं जा पाते सच बता रहा हूं शर्मा शर्मा नहीं चाहिए ये किया आपने नहीं आ, आपने किया है वन वन एट कितना है नाइन थर्टी ये पहला सही जवाब किसका था नाइन थर्टी अगर अब ये तो जज नहीं हो पाएगा भाई चलो चक्कर पड़ गया अगली बार देखूंगा इसको मैं अच्छा नौ सौ तीस रुपये हम्म तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको इस बात का वहम है मतलब आप को ऐसा लगता है कि मेरी पूरी कमाई है नॉर्मली बच्चा क्या करता है पता है फीस कितनी और बच्चे कितने बैठे हैं अनुमान लगाता है ऑनलाइन देख लेता है ये बैठे हैं फिर मल्टीप्लाई साहब इतना पैसा कमा रहे हो आपके दिमाग में जो ये फितूर है ना बहुत मोटा कमा रहे मोटा मोटा कमा रहे ऐसा कुछ नहीं होता इसमें से नाइन थर्टी तो सरकार ले जाएगी हाँ ना अच्छा ये जो नाइन थर्टी है ये डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट ये लगा किस पे था लेकिन क्या ये मैंने मेरी जेब से भरा किसकी जेब से निकाला दर्द किसको हुआ था चुभा किसे आपको चुभा तो इसलिए ये आपको इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर बन जाता राइट अच्छा कितना बचा मेरे पास माइनस करके बताओ जरा फाइव वन वेरी गुड कम होता जा रहा है ना देखना कितना पहुंचेगा घर हमारे अच्छा अब इसमें से कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे किताबों का है और बताओ ना कौन कौन से होते हैं कुरियर का भी होगा ऑनलाइन और पेटीएम खर्चे कम से कम दस बीस हजार रुपए बढ़ जाएंगे मुझे पता है पेटीएम बात-बात पे बात -बात पेटीएम पे बटेगा और मतलब अगर एक बच्चा सारे सही जवाब देता है तो उसकी फीस वही रिफंड हो जाए एक तरीके से पेटीएम में ही इसलिए बी अलर्ट टेस्ट जब होंगे तो उसमें जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको भी अवार्ड मिलेगा मोटिवेशन के लिए जी कितना बचा फाइव वन सेवन जीरो एक्सपेंसिस मेरा आने जाने का भी खर्चा है आप किताबें भी हैं कुरियर भी है ये भी है बहुत सारे खर्चे कितना लगा दू ऑन एन एवरेज ट्वेंटी परसेंट आई थिंक टू थाउजेंड या थ्री चलो जहां आप खुश हो मैं वहां वो कर देता हूं भाई कितना बचा थ्री वन बस पूरे बैच में एक ही काम नहीं करना पढ़ाई बाकी सब करने हैं ठीक है, है? पढ़ाई नहीं करनी आपने थ्री वन से हाँ बस हाँ मजे लो थ्री वन सेवन जीरो ही आ गया ठीक है अब 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 ये मेरे पास जाएगा क्या सरकार कह रही थी कि भाई साहब वो आपसे जो हमने पैसा लिया था ना वो 9:30 तो आ गया है लेकिन वो रोड अभी अधूरा पड़ा है थोड़ा काम बाकी उसमें पैसे और चाहिए अब इस स्टेज पर आकर मैं आपसे कहूं कि थोड़ा सा और पैसा दे दो क्या आप दोगे लिटिल बी सीरियस ये सनो भाई साहब हजार हजार रुपये दे दो यार क्या दिक्कत है सरकार को और देना मैंने नहीं दोगे ना तो मुझे यह पैसा अपनी जेब से देना पड़ेगा इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे कितना परसेंट लगा दू फोर्टी टू पॉइंट डायरेक्ट वहीं पहुंचा दिया अच्छा कितना है चलो बताओ वन थ्री वन थ्री सेवन जीरो कर देता हूं राउंड फिगर मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान रहेगी वन थ्री सेवन जीरो अभी क्या बचा ये आया अठारह सौ है ना एक हजार आठ सौ रुपये ये बचा मेरी पॉकेट के लिए ठीक अच्छा और भी कुछ इसमें से देना है अच्छा ये जो अठारह सौ रुपये में गवर्नमेंट को ये जो वन थ्री सेवन जीरो जो गवर्नमेंट को दिया आ, ये लगा भी मेरे ऊपर था बेयर भी मैंने किया तो ये क्या अपना अरे तुम तो बहुत समझदार गुड वेरी गुड देखना ये सारी बात आपकी यहां पर लिखी हुई है यानी कि आप अपने इस सिलेबस में साहब यहां तक आगे दो तीन पेज आपने इस बुकलेट के निपटा दिए हैं एक बार रीड करके देख लें देखो जरा देखना दो तीन पेज निपटा दिए आपने खेल खेल में ही मैंने सबसे पहले हेडिंग बनाया था यहां पर कि टैक्स क्यों लिया जाता है फैमिली में पांच से आठ मेंबर हैं पेरेंट्स के द्वारा रन किया जाता है जॉब है तो सैलरी आती है बिजनेस है गुड्स और सर्विस का तो प्रॉफिट कमाते हैं। जो आपने नेचुरली बोला था सब यहां प्रिंट हो गया है आपके लिए है ना अगर कुछ ऐसा हुआ कि आपने जो बोला और मेरी किताब कुछ और कह रही है तो काट के आपने जो बोला उसे लिख देंगे यहां पे ठीक एक बात दिमाग में सही से सेट कर लेना मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा कि बेटा ये रहा लॉ और ये रहा इसका एनालिसिस नेवर एवर हम बुक पढ़ने से पहले सारा कुछ अपने आप डिस्कस करेंगे सिचुएशंस दूंगा आपको कि बनाइए लॉ बनाइए खुले दिल से आप लॉ ड्राफ्ट करेंगे आपको मैं मिनी लॉ मेकर बनाकर जाऊंगा इस एक महीने के पीरियड में ये मेरा दावा है आपको खुद से लॉ बनाना है किताब से नहीं बनाना मैं बताऊंगा सिचुएशंस ये हैं कि यहां से वहां जाना बताइए क्या-क्या रास्ते हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल उनमें से जो अच्छा रहा हाँ जी आगे देखना जरा और फिर हमने एग्जाम्पल को बड़ा कर दिया एक एग्जाम्पल को एक सौ चालीस करोड़ लोगों की फैमिली है होल इंडिया की बात करी रन बाय द गवर्नमेंट जॉब किया तो सैलरी उस पर इनकम टैक्स सरकार को जाता है और अगर हम बिजनेस करते हैं तो हमें जीएसटी देना पड़ता है और इनकम टैक्स भी देना पड़ता है जीएसटी एक बिजनेस टैक्स है क्या सारे तो जो बिजनेस करते हैं सिर्फ उन्हीं को छुएगा जो सैलरी वाले हैं उनसे इसका कोई मतलब नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स बिजनेस टैक्स होता है राइट अच्छा एग्जाम्पल दे दिया मान लेते हैं मेरी फीस ये बनती थी फाइव थाउजेंड इसके ऊपर जीएसटी इतना बनता था और ये हो गया इतना तो आपसे मैंने कलेक्ट किया होगा इतना एम आई राइट एक छोटी सी बात पूछूं आप जवाब देंगे लास्ट वन ठीक है मेरी फीस कितनी है यहां पर मेरी जैसे मैं मेरा कहूं फाइव थाउजेंड या फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड फाइव पक्का पक्का ना क्यों नाइन हंड्रेड क्यों नहीं मेरा वो तो किसी दूसरे की अमानत है कि मान ले आपके पास कोई किसी को छोड़ जाए कि भाई ध्यान रखना दो चार दिन लेकिन आप दो चार दिन में अपना ही मान बैठ गए उसे है ना आपने कभी सोचा है आपने कभी सोचा है कि जब ये जो जीएसटी है इनडायरेक्ट टैक्स जैसे बोलते हाल हाँ तो ये लगाना से कैसे लगेगा हेलो लो लो चल गया हाँ जी तो कभी आपने सोचा है कि हेलो हां आप ठीक है तो मैं ये कह रहा था आपसे सुनो ना कि जब ये मेरी फीस फाइव थाउजेंड है नाइन हंड्रेड किसी और से लेकर यू देना ऐसे लिया यू दे दिया तो जब नाइन हंड्रेड का लोड मेरी जेब पे पड़ता ही नहीं है तो फिर मैं इसकी चोरी क्यों करता हूं टैक्स इवेट क्यों करता हूं फिर मैं मुझे पे क्या लोड पड़ा मेरी फीस फाइव थाउजेंड भाई देखो टैक्स तो हमें लेना है लोड तो इन पे डालना है लेकिन ये संख्या में इतने सारे हैं कि इनसे एक-एक करके ले नहीं सकते तुम इनसे कनेक्टेड हो तुम इनसे लेना हमें दे देना ये 900 मेरा नहीं है ये सरकारी पैसा है गवर्नमेंट का पैसा है मेरा ये है फिर मैं चोरी क्यों करता हूं जवाब दीजिए ना आप वो इंडायरेक्ट चीज है मैं चोरी इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे 900 से प्यार हो जाता है ये मेरे हाथों में आते ही मुझे ऐसे मोहब्बत हो जाती है और मुझे लगता है कि ये मेरा है बिलीव मी आपको भी यही लग रहा होगा कि 6,100 मेरा है जो आपने मुझे दिया है मैं राइट हमने कभी नहीं माना कि मेरा 5,000 है मुझे लगता तो है मेरा पांच हजार नौ सौ है मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना कुछ भी करना है तो मैं पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं जब जीएसटी की ड्यू डेट आती है भरने के लिए जीएसटी पेमेंट करने के लिए उस समय मेरे पास पैसे नहीं होती फिर मुझे चुभता है कहीं और से मुझे पैसा लेके भरना पड़ता है तो मुझे लगता है कि यार गवर्नमेंट ने क्या चक्कर बना रखा है ये ये गलत है इसलिए हम चोरी करते हैं जीएसटी की जिसका लोड हमारे ऊपर पड़ता ही नहीं है राइट चलो तो यहां पर मेरे पास बचे 5000 उसके बाद ये खर्चा आपने बताया था एक्सपेंसेस वो यहां पर प्रिंट हो गया है ये बचा मैंने थर्टी परसेंट लिया ऐसे ही ना बस करना दिल पे मत लेना तो ये मेरी नेट इनकम फाइनली मेरे घर तक पैसा ये पहुंचेगा अब देख लीजिए लगभग लगभग वन थर्ड मनी मेरे घर तक पहुंचती है छह दिया है तो दो हजार के आसपास मेरे घर तक पहुंचेगा इससे बोलते हो आप मोटा कमाते हो हम तो समाज सेवा कर रहे हैं यार कमा कर रहे हैं है, है ना हाँ So, फिर यहां पर बात आई कि गवर्नमेंट नीड फंड टू तो फुलफिल इनक्रीजिंग डेवलपमेंट नीड ऑफ द कंट्री और टू फुलफिल तो सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गए उनके लिए सरकारें करके चलती है वट इज टैक्स कंपल्सरी एक्सटॉशन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट टू सपोर्ट द नेशन हमारी बात यहां पर आकर हो जाती है अच्छा एक बात और बताइएगा यार ये जो टैक्स की हम बात कर रहे हैं एक यूपी में ना उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार शुगर मिल वालों से एक चार्ज कलेक्ट करती है नाम है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या चार्ज। ध्यान से पकड़ना बात को और नेचुरली आंसर करना नॉर्मली बच्चा क्या करता है कि टीचर की टोन को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग सही आंसर करने की कोशिश करता है मैं ठीक बोल रहा हूं आपको ऐसा नहीं करना यही नहीं करना आपने आपको अपने आप पे भरोसा रखना यार मैं जो बोल रहा हूं वही ठीक है ठीक है गलती होगी तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा लेकिन बोलना वो है जो अंदर से आपके आवाज आ रही है निकल के तो उत्तर प्रदेश में वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट बनाया हुआ है उस एक्ट का नाम है यूपी शीरा शीरा मतलब मोलैस जो होता है शीला नहीं शीरा <laughs> यूपी शीरा नियंत्रण हिंदी में नाम एक्ट का नियंत्रण मतलब कंट्रोल uh, यूपी शीरा नियंत्रण अधिनियम अधिनियम मतलब एक्ट तो ऐसे करके एक एक एक्ट का नाम है टेक्निकल ये उसके अंडर गवर्नमेंट चार्ज करती है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस क्या वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को मैं टैक्स का नाम दे सकता हूं या नहीं कैन वी कॉल्ड दैट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस एस टैक्स और नॉट चेक इट आउट क्या यहां पर वो फुलफिल हो रही है अ कंपल्सरी एक्सटॉशन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट टू सपोर्ट द नेशन यहां फॉल करता है यह. तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी टैक्स ही है ओ, इंडिया के बाहर से अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो डू यू नो कि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है क्या वो ड्यूटी भी एक टैक्स है पक्का? अच्छा ठीक है आपने बड़े सारे सेस लगते हैं सेस, एजुकेशन सेस हेल्थ सेस है ना ये तो पता होगा कि भाई सेस का ऑब्जेक्टिव पहले से डिटर्मिंड होता है तो किस काम के लिए लगाया जा रहा है एजुकेशन सेस तो पैसा एजुकेशन के लिए खर्च होगा जो हेल्थ सेस है वो लगता है तो बैको के ऊपर उसने आपने चैनी खैनी चैन से मजा लो तंबाकू नहीं देखा आपने अच्छा खाते नहीं हो आप और अरे चलो अच्छा ठीक है भी आता चैनी खैनी चैन से मजा लो तो लोग मजा लेते हैं उसे ना सरकार सरकार कितनी तेज है सरकार को पता है कि जो चैनी खैनी खा रहा है ना इसको आठ दस साल में पक्का पक्का कैंसर होगा फिर ये हॉस्पिटल ढूंढेगा तो गवर्नमेंट ने क्या किया चैनी खैनी के ऊपर एक हेल्थ सेस लगा दिया क्या लगा दिया हेल्थ सेस लगा दिया यानी जो चैनी खैनी खा रहा उसी की पॉकेट से थोड़ा 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 अमाउंट आता रहा आता रहा आता रहा और सरकार उस पैसे से हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल बनवाती रही बनवाती रही बनवाती रही आठ दस साल में इधर कैंसर बन के तैयार हुआ उधर हॉस्पिटल आन मिलो सजना तैयार है उन्हीं के पैसे से उन्हीं को वहां पर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा तो ये सेस का ऑब्जेक्ट पहले से पता होता है पैसा खर्च कहां करना है बाकी जो टैक्स के ड्यूटी के नाम से पैसा होता है उसका पहले से पता नहीं होता कि खर्च कहां पे करना वो कहीं भी खर्च किया जा सकता है अच्छा टैक्स में और ड्यूटी में क्या फर्क आ गया अच्छा बड़ा शब्द कौन सा है टैक्स या ड्यूटी टैक्स इज ब्रॉडर टर्म टैक्स भी टैक्स है ड्यूटी भी टैक्स है सेस भी टैक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी टैक्स है सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं नाम अलग अलग कर दिए जाते हैं जैसे कि कोई माखन चोर कहता है कोई कृष्ण कन्हैया कहता है कोई टेढ़ी टांग वाला बोलता है है ना तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं, लेकिन अल्टीमेटली है वो कृष्ण ही प्रेम से बोलेंगे राधे राधे समझ में आ गई बात आगे बढ़े चलिए बेसिक बेसिक सी बातें चल रही है आज हमारी टाइप ऑफ टैक्स मैंने लिखा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंसिडेंस इंसिडेंस मतलब बेयर करना उसका बोझ उसका लोड इंसिडेंस ऑफ टैक्स बाई द पर्सन ऑन होम इट इज लेविड और इसमें इंसिडेंस ऑफ टैक्सिडेंस ऑफ टैक्स नॉट बॉन्ड बाई द पर्सन ऑन होम इट इज लेविड रेदर इट इज बॉन्ड बाई द अल्टीमेट यूजर या एंड यूजर ओके और इस बात को आज हम प्रैक्टिकली डेमो देकर प्रूफ भी करेंगे ये कैसे अल्टीमेट कंज्यूमर के द्वारा इसको बेयर किया जाता है नेचर ऑफ टैक्स प्रोग्रेसिव ऐसे कैसे ये पढ़ चुके होंगे शायद आप ना ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है डायरेक्ट टैक्स जबकि इनडायरेक्ट होता है रिग्रेसिव नेचर का मतलब प्रोग्रेसिव मतलब कि अगर कोई इतना कमा रहा है तो टैक्स भी इतना रहेगा थोड़ा ज्यादा थोड़ा और ज्यादा थोड़ा और ज्यादा रामायण पढ़ी है आप लोगों तो ने रामायण मुझे याद आ गया अचानक से हनुमान जी जब जा रहे थे लंका के लिए तो रास्ते में एक सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है तो वो मुंह खोलती है अपना इतना हनुमान जी इतने बड़े हो जाते हैं इतना मुंह खोलती है वो इतने बड़े हो जाते हैं है ना ऐसे यहां है प्रोग्रेसिव नेचर का बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता ही जा रहा है लेकिन यानी कि जो गरीब है उससे कम ना के बराबर इनकम टैक्स जो ज्यादा सुपर रिच है उसके ऊपर सरचार्ज ये वो जाले लो मार दो इसे ये होता है खत्म करो इसे खत्म करो बहुत कमा रहा है ये लेकिन जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है उसका तो एक ही स्लोगन है सबका मालिक एक है मतलब आंखों पे पट्टी बांध रखी है बिल्कुल चॉकलेट्स चाहे भिखारी का बच्चा खा रहा है चाहे अंबानी का बच्चा खा रहा है टैक्स का रेट दोनों के लिए एक जैसा होगा सबके लिए किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करता है इसे बोलते रिग्रेसिव उदासीन जैसे यहां पर भी कुछ बच्चे क्लास में बैठे ना उनको मुंह फुला के मैं डर जाता हूं उनसे यार कुछ तो हंसी मुस्कुराई कुछ तो एक्सप्रेशन दीजिए कुछ तो ऑनलाइन कुछ तो नहीं डर जाता हूं मैं ऐसे तो ये रिग्रेसिव नेचर का होता है अपना और इसके बाद में ये प्रोग्रेसिव नेचर का होता है और टाइप ऑफ टैक्स जैसे इनकम टैक्स हो गया यहां गुड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी अपना आ जाता है यहां तक ओके है आगे चलिए एग्जांपल्स में वो ये गए ऑन मेरे ऊपर लगा आपके ऊपर बर्डन पड़ा इनडायरेक्ट और मेरे ऊपर लगा लोड भी मेरे ऊपर पड़ा डायरेक्ट टैक्स उसे बोल दिया पता है आप गलती क्या करते हो बताऊं? जब नहीं देख पाए आप इसको पढ़ जाते हो पेमेंट बाई लगा एक के ऊपर और पेमेंट किया किसी और ने सरकार को तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट नहीं नहीं यहां पेमेंट वर्ड नहीं है यहां है टैक्स का बर्डन किसके ऊपर पड़ा है हमें यह देखना होता है अब एक और बात बताओ पूछे ये महाराष्ट्र है ये गुजरात है मजा माछो ठीक है अब ऐसा है कि गुजराती व्यक्ति खड़े हो जाओ कोई है गुजरात से यहां पर जराबे फपड़ा यहां ढोकला यहां आ जा एक गुजराती व्यक्ति है गुजरात का रहने वाला है और क्या नाम है यश जिम में जा रहे हो क्यों नहीं। अच्छा टाइम नहीं है ठीक तो एक गुजरात का व्यक्ति ये जाता है आ... बे! ये आया है इधर महाराष्ट्र में कहा है और यहां एक दुकानदार के पास जाता है वहां से कुछ सामान खरीद के लाता है अबे यार गुड्स ला रहा गुड्स सर्विस की बात नहीं कर रहे हम चलो कहां से सामान खरीदना है आपने महाराष्ट्र से लेके सामान खरीद के लाओ कैमरे के रेंज में रहकर हां पैसे लाए हो? निकालो तो कैमरे के रेंज में आ जाओ ना अबे अब सामान भी यही मिलेगा पहले हम ऐसे करते थे पकड़ो जरा ऐसे नहीं <laughs> पैसे लाओ पैसे अरे नहीं यार बिली मैं सच में मेरे यहां कोई फेक ट्रांजैक्शन नहीं होती है और रिवर्स भी नहीं होती ट्रांजैक्शंस <laughs> पैसे ले गया ने पैसे में चाहिए यार बिना पैसे स्टेज पर ना बिना पैसे के मत आ जाना पैसे ठीक है अब यहां से तुम जाओ और कुछ सामान सुमान खरीद के लाओ पे नहीं लेके आया कुछ ढंग का सामान लेके आता है महाराष्ट्र गया हाँ ले आ, ले, आ, ले, आ, ले वेरी गुड अब अच्छा है और ये खरीद कर इसे यहां ले आता है इसे खरीद कर ये यहां ले आता है अब वापस लौट के गुजरात में आ गया कहां आ गया ये बॉर्डर था यहां पे दिख रहा है आपको बॉर्डर ऑनलाइन वालों मैं काम करूंगा ना कैमरे का फ्रेम थोड़ा सा ब्रॉडर करवाऊंगा ताकि थोड़ा और वहां तक हम जा सके आ सके वो भी पूरा दिख सके डेमो को ना ऐसे ये तो बहुत छोटी छोटी बात है डेमो तो थोड़ा अलग चीज होगी अभी तो बस हल्का फुल्का ऐसे ही बुला लिया है तो महाराष्ट्र से खरीद के लाए हो अब ये जो पैसा ये जो है इसे दोस्तों को भी खिलाएंगे अपने को ये या खुद ही खाएंगे खिलाएंगे तुम भी खाओ अरे भाव खाने पास करते हैं कैसे <laughs> कर मैं कह रहा हूं हा इसमें टैक्स कल उड़ाया हुआ है टैक्स लगा हुआ था एमआरपी है पढ़ बे ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन दस रुपए की एमआरपी बावड़ा हो रहा है क्या खा लिया तुमने एम आर पी नीचे क्या लिखा पढ़ इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस इनक्लूसिव ऑफ ऑल यानी जीएसटी भी इसमें आ गया। आ गया गया अब जीएसटी अलग करना भाई अठारह परसेंट मान लो लगभग वन पॉइंट सिक्स दो रुपए मान लेते रुपए मान लेते दो रुपए का जीएसटी था इसमें दो रुपए का जीएसटी किसको मिलना चाहिए कौन सी वाली को भाई भारवर सें... सेंट्रल या स्टेट सेंट्रल स्टेट दोनों को पता एक बात समझना हुआ क्या था आ, किसी के पास ग्लास है खाली कोई कंटेनर खाली पता है खाली खाली ये हुआ क्या था मैं आपको चक्कर बताता हूं खाली देनी है किसी के पास मैं गिलास भरा हुआ है मैं पी जाता से लगे फ्रिंज डाल रखी थी मैंने उसमें डालू तो है यार क्या ना, ना। <laughs> चलो कोई नहीं तो उसमें हुआ क्या मैं पी लेता है उसके ऊपर वो सुरंज डाल दी थी मैंने इसके अंदर खा लिए जल्दी जल्दी भैया जल्द जल्द जल, 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 दो, जल, दो, जल दो। ये पानी डाल दू उसमें ग्लास खा हो जाएगा मेरा <laughs> जब ये पता जीएसटी आया था ना एक बात हूं ये जीएसटी बहुत रोमांटिक चीज है बहुत ज्यादा होके बस किताब मत देखना <laughs> किताब मत देखना हाँ तो जब जीएसटी आया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बैठी हुई थी आमने सामने अरुण जेटली जी थे उस समय पे उन्होंने सारे स्टेट को बुलाया कि यार देखो हो क्या रहा है कि आज अलग अलग टैक्स लगे हुए हैं पहले ना एक्सक्लूसिव टैक्स थे कैसे थे एक... मतलब जैसे नाम सुना को शायद आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नाम से पता लग रहा है ये ये पैसा जाता था ये जाता था था सेंट्रल गवर्नमेंट को को वैट स्टेट तो वैट में सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी नहीं थी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में स्टेट की हिस्सेदारी नहीं थी इधर एक सेंट्रल सेल्स टैक्स वाला लगता था सीएसटी जानते हो कि शायद तक कभी नाम सुना हो है ना वो भी जाया करता था स्टेट को जाया करता था तो कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे एक्सक्लूसिवली और कुछ जाते थे स्टेट के पास में अच्छा ये जो अरेंजमेंट था ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने फिक्स किया था कि इन इन एक्टिविटीज पर जो टैक्स बनेगा वो सेंट्रल लेगी और इन, इन इन पर जो टैक्स बनेगा वो स्टेट को जाएगा एक्सक्लूसिव नेचर के थे अब इस चक्की में पिस्ता था ये व्यक्ति कि मतलब मैं अगर कोई बिजनेस कर रहा हूं समझना जरा मैं मेरी फैक्ट्री है तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी मैन्युफैक्चरिंग करने का जैसे ही मैंने ये पाप किया मेरे ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ठोक दी लो उसके बाद फिर मैंने जैसे ही अपने गुड्स को बेचने के लिए आगे चला एक और टैक्स ठोक दिया वैट तो सेंट्रल कॉम को उनको सेंट ये देख के आऊं उसको वो देख के आऊं मतलब अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराऊं अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके चलूं ऐसे खिचड़ी सी बनी हुई थी बहुत ज्यादा होकर तो गवर्नमेंट ने कहा यार एक काम करते हैं ये झगड़ा क्यों मिल बांट के खाते हैं ना स्टेट गवर्नमेंट यहां बैठो यहां हम बैठे हुए हैं एक्सक्लूसिविटी को छोड़ो तुम अपने सारे टैक्सेस को छोड़ दो तुम अपना वैट छोड़ दो तुम अपना सेंट्रल सेल्स टैक्स छोड़ दो हम अपना सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी छोड़ देते हैं हम अपना सर्विस टैक्स छोड़ देते हैं लगभग सारे टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने छोड़ दिए सेक्रीफाइस कर दिए स्टेट ने अपने छोड़ दिए और फिर इनको एक मिक्सी में करके ऐसे ऐसे करके पीसा गया थोड़ा पानी में गया बढ़िया पेस्ट बन जाए इनका <laughs> बढ़िया पेस्ट बनाया गया और पेस्ट बनाने के बाद में फिर इसमें से एक बाइट लिया गया उस बाइट पर राइट किसका है कितना कितना रे आधा आधा पहले इसमें बड़े झगड़े हुए थे सेंट्रल गवर्नमेंट कहती नहीं मैं 60 परसेंट लूंगी नहीं जाहसीमरा हम नहीं ला रहे जीएसटी तो फिर बात फिफ्टी फिफ्टी पर निबट गई आधा आधा तो आधा खाएंगे कौन चम्मच है किसी के पास चम्मच है इसको पिलाऊंगा ना चम्मच नहीं किसी के पास अरे यार आधा पियोगे तुम तो और आधा पियेंगे हम नहीं अरे यार कलाकार आदमी चाहिए मुझे कलाकारी कलाकारी में नहीं आ रही है कलाकार तो जहर भी पी जाते हैं यार तो ये जो आया यहां से चाहे कम आया चाहे ज्यादा आया इस पर आधा सेंट्रल टैक्स और आधा स्टेट टैक्स है तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बनेगा आजा तो आधा पिएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और आधा पिएगी स्टेट गवर्नमेंट ठीक है अब वापस लौट के बैठो बैठो वापस तुम्हें मैंने जाना है अब ये जो दो रुपए का बाबू मेरे पता मुझे क्या लगता है पता है कि किताबी बातें आज सिखा दूंगा नो डाउट पर कल को भूल जाओगे मैं जो ये कर रहा हूं ना जो भी कर रहा हूं मुझे तो ये नहीं भूलोगे तुम तो। तो क्योंकि जो प्रैक्टिकली हम कर लेते हैं वो कभी भूलते नहीं हां जी तो दो रुपए यार दो रुपए का यहां पर टैक्स बनता था इस पे अधिकार किसका राइट किसका है दोनों का एक का इक्वल राइट right है क्योंकि इसके लिए कुर्बानी दोनों ने दी थी अच्छा म्यूनिसिपलिटी का गई क्या उसको जीएसटी में से बाइट मिलेगा नहीं।, नहीं ना क्यों क्योंकि उन्होंने कुछ भी सैक्रीफाइस जब ये पेस्ट बन रहा था तो इसमें एक भी लोकल अथॉरिटी का टैक्स नहीं है इसलिए जीएसटी में से उसको सा भी नहीं मिलेगा दो में बटेगा कद्दू कटेगा और <laughs> बराबर बराबर ठीक है अच्छा तो यहां पर आकर जो दो रुपए का टैक्स है एक रुपया दो रुपए है किसी के पास यार पैसे में वैसे रखा करो यार तुम मैं पूना तो पैसों वालों का शहर है दो सिक्के दो दो, दो सिक्के दो, दो सिक्के अरे मेरा लाल मेरा कबूतर है तो ये दो सिक्के थे यहां पर अच्छा ये एक रुपया और एक रुपया दो रुपये मेरे पास में है ये सेंट्रल को जाना ये स्टेट को जाना अच्छा कौन दे के आएगा देना छोड़ो किसको जाना चाहिए सेंट्रल को चलो भैया ये चला गया सेंट्रल को क्वेश्चन है इसके ऊपर जो बाकी एक रुपया किसको जाएगा वेरी गुड इतना तो मुझे भी पता था स्टेट अब कौन से को जाएगा महाराष्ट्र या गुजरात जो कहते हैं महाराष्ट्र जय है महाराष्ट्र अच्छा जो कहते हैं गुजरात को जाएगा अच्छा 90, 95% परसेंट कहते हैं कि ये महाराष्ट्र को जाएगा ठीक लेकिन यार एक खाया तो हमने था तुम भी खाओ मैं पिया कौन रहा है। ये जो दो रुपया था ये किसकी जेब से निकला था ये किसका पैसा था ये महाराष्ट्र का था कि गुजरात का था दा दा। दा। <laughs> नहीं नहीं बताओ बताओ सही बताओ किसका पैसा था ये महाराष्ट्र का अरे ये अबे किसका था ये <laughs> किसकी मेहनत का पैसा था पक्का लेकिन पैसा पहुंच गया महाराष्ट्र जब एक गुजराती की जेब से ये पैसा निकला है टैक्स उसने बेयर किया है राइट हां पे जरूर इसने किया होगा सरकार को महाराष्ट्र वाले ने लेकिन ये पैसा किसका था गुजरात का सरकार कहती थी कि जो टैक्स का पैसा है वो कहीं और नहीं जाता है यार ये डेवलपमेंट की बारिश बनकर तुम्हारे ऊपर ही बरसेगा मैं डाल दू थोड़ा सा Please. आगे से कोई आगे से कोई आए ना तो मुझे ना रियल फील करा मैं डाल दूं तो कोई दिक्कत ना हो उसको ना ऐसा व्यक्ति है ना तो डेवलपमेंट की बारिश वो सप्लायर कौन सा यहां हो रहे आप थे अच्छा आ जाओ तो जो डबल ये जो एक ये जो एक रुपया था ये जो एक रुपया अब सप्लायर यहां था महाराष्ट्रियन गुजराती देखेंगे अरे फ्रेम चेंज कैसे होता है भाई फ्रेम चेंज करना जरा वो टेक्निकल बर्थन को बैठा के रखो उसको यहां पे। वो तो कहां भाग जाता है बार बार ये इसकी पेट में कौन सा दर्द हो रहा है यार <laughs> बोले यहां के, तो <laughs> तो ये जो एक रुपया इसमें पड़ा हुआ है इसमें आप देख रहे हैं ये गुजराती की जेब से निकला है और इसके पास पहुंच गया है राइट अब जब ये बारिश बन के बरसेगा तो बारिश किसके ऊपर बरसनी चाहिए गुजराती पर या महाराष्ट्र पर? पर सरकार तो कहती थी कि आप चिंता ना करो टैक्स का पैसा है डेवलपमेंट की बारिश बनकर तुम्हारे ऊपर ही बरसेगा तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा कि पैसा उसका और बारिश हो रही है महाराष्ट्र में गुजराती का पैसा बारिश महाराष्ट्र में समझ पा रहे हो कुछ कि पैसा तो इसका है हम मजे भाई मजे नहीं मैं कह रहा हूं बारिश कहीं और ही हो रही है क्या बारिश यहां नहीं होनी चाहिए थी हाँ या ना नहीं, ऐसे नहीं हां जबरदस्त नहीं कन्विंस हो तो बताओ क्या इसकी जेब से पैसा निकला था यार तो फिर यही आ गया डाल दो तो बारिश इसी के ऊपर बरस नहीं चल छोड़ देता हूं ये नाराज हो जाएगा आपके लिए अगली बार जो आएगा उसको डाल दूंगा ऐसे तो डेवलपमेंट की बारिश तो डाल देता हूं याद रहेगा यार ओम पवित्रो पवित्रो व्याम श्रम नमामी मेरा बच्चा तो पानी किस पर गिरा गुजराती पर महाराष्ट्र पे गुजरात पर भूल जाओगे क्या यहीं से यहीं से प्रिंसिपल निकलता है आपका डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्या रे कि टैक्स उस गवर्नमेंट को उस स्टेट को उस कंट्री को मिलेगा जहां पर कि गुड्स सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है ठीक बोला मैं जहां पर गुड्स या सर्विसेज का एंड डेस्टिनेशन है एंड यूजर है क्या है एंड यूजर बैठा हुआ है उसको मिलेगा समझ समझना की बात पक्का हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड वाइड दो तरह के प्रिंसिपल है टैक्सेशन को लेकर एक ओरिजिन प्रिंसिपल और एक डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ज्यादा बेटर कौन सा है डेस्टिनेशन इसलिए लगभग इक्का एक दुक्का एक्सेप्शन छोड़ दीजिए लगभग हर कंट्री में आपका डेस्टिनेशन प्रिंसिपल ही फॉलो किया जाता है कहीं कहीं पर ओरिजिन फॉलो करना पड़ जाता है वो कुछ मजबूरियां होती मैं बता दूंगा डिस्कस कर दूंगा बट डेस्टिनेशन प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तो लाइन क्या बनेगी टैक्सेस किसको जाएंगे टू दैट कंट्री और स्टेट इन विच गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड या फाइनली डेस्टाइंड एक क्वेश्चन पूछ के देखू क्या पकड़े गुड्स ये पैकेट नया पैकेट था ये महाराष्ट्र से चलता है गुजरात आ जाता है गुजरात से चला जाता है कर्नाटका कर्नाटका से आता है दिल्ली दिल्ली वाला पैकेट खोलता है और खा जाता है अब टैक्स कौन से स्टेट को मिलना चाहिए समझ में आ गया? बेटा कहीं घूम फिर के आ जा जहां तेरा एंड यूजर बैठा हुआ है उस स्टेट को पैसा दिया जाएगा बनाइए महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरिंग महाराष्ट्र में हुई लेकिन टैक्स किसको मिलेगा तो मैं एक बात बोल रहा हूं समझ में आ जाए तो हां बोल दीजिएगा कि किसी भी स्टेट की तरक्की किसी भी स्टेट की प्रोग्रेस इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि वहां कमाने वाले कितने हैं बल्कि इस बात पे डिपेंड करती है कि वहां खाने वाले कितने हैं। राइट right? तो जो कंज्यूमिंग स्टेट है जैसे कि दिल्ली दिल्ली इज नॉट ए मैन्युफैक्चरिंग स्टेट दिल्ली क्या है कंज्यूमिंग महाराष्ट्र तमिलनाडु ऑल दीज स्टेट्स आर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट ओरिजिन स्टेट्स हैं इज इट ओके यस थैंक यू सो मच बैठिए आप जरा अब देख रहा मैंने यहां पर लिखा है कुछ ये रहा अगर ये आपका एंड यूजर यहां पर बैठा है अगर आपका ये इसका चैट कहां है इसका जो एंड यूजर यहां पर बैठा है मुझे ऑनलाइन वाला को ज्यादा फिक्र है इनसे बात कर लूंगा मुझको बोला कहां ये भाका मुझे बांध कर रखना इसको यहां पे ना एंड यूजर्स गुड्स देखना लिखा है अब इससे तो स्टैंप लगाओ कि इट इज ओके एंड यूजर ऑफ गुड्स और सर्विस इन इंडिया दैट इज इज इट कंज्यूम्ड इन इंडिया देन टैक्स टू इंडियन गवर्नमेंट एग्रीड ना भूलोगे तो नहीं ना या रिवाइज तो नहीं करना पड़ेगा ना चलो और एंड यूजर ऑफ गुड्स और सर्विस इन यूएसए है मतलब अगर यूएसए में कंज्यूम हो रहा है तो टैक्स किसको जाएगा यूएसए को अच्छा देखना ये क्या हो रहा है कि आ, आ, अगर एक विदेशी गुड्स इंडिया में आता है इंडिया के बाहर से इंपोर्ट किया यहां कंज्यूम किया टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा और अगर मैंने इंडियन गुड्स इंडिया में कंज्यूम किया तभी टैक्स इंडिया को मिलेगा अच्छा एक बात तो बताओ अब देखते क्या आप समझ पाए आप इंडियन गुड्स अमेरिका चला गया क्या टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा और अगर मान लो शुरू में लगा भी दिया है तो क्या उसका रिफंड मिलना चाहिए पक्का अच्छा ठीक मैंने इंडिया के बाहर से गुड्स इंपोर्ट किया बॉम्बे पोर्ट पर आ गया यहां से क्लियर कराया इंपोर्ट ड्यूटी मैंने भर दी पुणे में मेरा अपना वेयर हाउस है ठीक फिर मुझे एक व्यक्ति मिला एक पर्सन मिला और जापान का मैंने वो गुड्स उसको एक्सपोर्ट कर दिया है यूएसए से इंपोर्ट किया इंडिया में आया इंडिया को ड्यूटी भर दी एंड नाउ गुड्स चला जाता है आपका जापान टैक्स किसको मिलना चाहिए लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ऑलरेडी इंडिया को टैक्स दे चुके इसका क्या होगा क्या हो क्या होगा जो खुल के बोलो ना यार दैट्स इट क्योंकि आपको पहले फॉर्मूला तैयार करना है अपना और फॉर्मूला तैयार हो जाए तो फिर अपनी बात से हटना नहीं है गलत होना लेकिन आपको ठीक लग रहा है अरे रहो भिड़ जाओ मुझसे तो मैं मना नहीं करूंगा आपसे भिड़ जाओ कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अपनी बात पर अटल रहो ठीक है तो वही यहां पर लिखा है कि गुड्स कहीं का भी हो जहां पर कंज्यूम होगा उसी सरकार को टैक्स दिया जाएगा तो ये डेस्टिनेशन प्रिंसिपल होने जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को हम डेस्टिनेशन प्रिंसिपल से सॉल्व करने वाले हैं तो लिखा है गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम यूएसए टू इंडिया क्लियर फॉर होम कंजम्शन होम कंजम्पन का मतलब होता है इंडिया हमारा घर था ना इंडिया के लिए कंजम्पन के लिए क्लियर कराया तो इंपोर्ट ड्यूटी हमने पे कर दी बाबू तुम कहीं बिजी हो क्या कहीं बिजी हो बाहर नीचे तो ज्यादा इंपोर्टेंट हमारा नहीं इंपोर्टेंट हमारा भी तो है ना तो आधा समय तो ना आधा घंटा है आधा घंटा वो तुम्हारा लेक्चर तुम्हारा हमारा हमारा नहीं लेक्चर ये देखो चैट बॉक्स नहीं आ रहा बच्चे पहला क्लास है ना आज चैट बॉक्स नहीं आ रहा हाँ तो तो नाउ एक्सपोर्ट ऑफ श्रीलंका एंडीजो श्रीलंका में है तो टैक्स वहां की सरकार को दिया जाएगा सो फाइनली अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इफ गुड्स और सर्विसेज वेदर डोमेस्टिक और इंपोर्टेड कंज्यूम्ड इन इंडिया टैक्स विल बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट कंज्यूम्ड आउटसाइड इंडिया टैक्स विल बी लेविड एंड कलेक्टेड आउटसाइड इंडिया अब तक हम बात कर रहे थे टैक्स क्या है टैक्स क्यों लगाया जाता है टैक्स कितने तरह का होता है एम आई राइट और टैक्स का हुआ है दर्ट ऑफ जीएसटी क्रेडिट कॉन्सेप्ट यह क्यों आया कैसे वर्क करता है इसकी आरणी करते हैं मिलकर रेडी देखो खुले दिल से करना कोई लोड मत देना दिमाग पर ना वो जो था चार लोग एक आप आएंगे मैं चुन लूंगा कलाकार एक आप आ रहे हैं दो आप यस एक आ... एक आप आइए भैया यस ये? तीन और एक चार आ जाओ चार लोग, चार लोग आ जाओ बाबू का टेक्निकल बंदे ये हमारा स्क्रीन कैमरा फ्रेम बड़ा हो सकता है आज ऊपर आ जाओ सबके लिए मेडल लेके आया हूं मैं ये लीजिए इसे गले में डाल लीजिए इसे आप डालिए आज जा मेरे राजा क्या आपको दिखाइए आप क्या क्या है ये तो बस करना क्या जीएसटी में किताब ही नहीं देखनी बस और सुनो पता है ऐसा नहीं है ये सारा कुछ सीखने के बाद फिर हम अपना क्वेश्चन बैंक की एक बुक मिलेगी आपको क्वेश्चन आंसर वाली उसके क्वेश्चंस करेंगे दिखाऊंगा एग्जाम में ऐसे लिख के आना है आपको दो मैं लिखूंगा दो आपको लिखने के लिए दूंगा बाकी आप जैसे मर्जी करें सोल्व लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ना जिससे कि हमारे जो होता ना कि लिखना कैसे प्रेजेंटेशन क्या प्रेजेंटेशन धीरे धीरे आती है झटके में नहीं आती ना हाँ ये देखिए ये है यहां पर कॉपर की वायर ये है कंप्रेसर एसी का ये एसी बन गया और ये कार है तो मैंने डेमोस्ट्रेशन में यहां पर ले आया मैं आ, थोड़ा कैमरे की फ्रेम में आइएगा थोड़ा सा बस 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 नहीं अच्छा आ रहे थे थोड़ा पीछे जाइए थोड़ा उधर जा सकते हो आप मतलब कैमरे में रहो हाँ मतलब हाँ ये ये यहां पर आ, क्या मैन्युफैक्चर करते हैं आप कॉपर बनाते हैं आप रॉ मेटेरियल लेकर आते हैं यहां से और कॉपर की वायर बना देते हैं मैन्युफैक्चरिंग का काम है और ये आप बनाकर कितने में सेल करते हैं वन 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 जीरो जीरो प्लस अठारह रुपए का जीएसटी एक सौ रुपए में ये किसको सेल कर रहे हैं आपको ऑब्वियसली बात है आपको सेल कर रहे हैं आप इनसे खरीद के लाए हैं क्या लेके आए आप इनसे कॉपर की वायर कितना पेमेंट किया आपने इनको लाओ एक सौ अठारह रुपए आप इनको दे दीजिए प्लीज दो ना वापस कर देना वापस कर देना एक सौ अठारह रुपए उनको वहां पर दे दिए जाते हैं अब सारा पैसा आपका है? आपका कितना आपका अपना हंड्रेड 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 ना एटीन किसका है गवर्नमेंट कहां है जिसको छत पे चिपकाना ऊपर गवर्नमेंट कहां छत पे यहाँ बीच में रख लेते ना छत पे मेरा मन तो करता है डेमो में छत पे चिपका दू तो ऊंची दिखाई दे सबको ना लेकिन यहाँ बैठा देते हैं बीचों बीच, बीच। यही सरकार अच्छा अभी फिलहाल दो दो सरकारें नहीं करते एक ही कर देते ना हम मान लेंगे कि दोनों स्टेट और उसको चला गया है सरकार हाजिर हो रुको ना सरकार ये ये सर... आ जाओ नहीं, नहीं ये आगे आगे जो बैठे आप जाओ इधर सरकार बैठेंगे यहां पे सरकार आ गई जल्दी आओ छुट्टे पैसे हैं किसी के पास वैसे खुले पैसे दस दस के ऐसे कुछ करके बैठो हां दीद प्लीज प्लीज प्लीज, 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 प्लीज थैंक यू चिल्लर हाँ भाई हिसाब रखना जिसका जिसको पैसा दे देना वापस ना ये ये एक सौ ये रहे अठारह ये रहे एक सौ अठारह रुपए दीजिए ठीक है अच्छा जी अब चिल्लर सभी रखो जरूरत पड़ेगी आपको भी ना आपको जरूरत पड़ेगी आपको जरूरत पड़ेगी।, पड़ेगी।, पड़ेगी ठीक है तो अब ये जो आपने कहा कि सौ रुपए इनके हैं अच्छा सभी नेचुरल आंसर देंगे इसमें से अठारह आपके नहीं थे किसके थे दीजिए इनको पे कर दीजिए तो आपको सरकार को क्यों पकड़ा दिए मैंने पैसे तो अभी गवर्नमेंट के पास कितना पैसा है पक्का ना अच्छा. आप वायर लेकर आए थे आपने क्या बनाया कंप्रेसर बनाया वायर को लगाया ये जो कंप्रेसर है इसमें ये कॉपर का वायर है इस है, पक्का ना मेरे पास कलरफुल भी है मैं दिखा सकता हूं ये रहा, देख पा रहे हैं आप अंधकार है? हाँ 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 वही 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 तो आपने बना दिया कंप्रेसर का प्राइस क्या है एक हजार ना अच्छा फिर जीएसटी लगेगा ये भी बिजनेसमैन है छोड़ छोड़ा देगी सरकार कितने का लग गया जीएसटी एक सौ अस्सी रुपए का थोड़ा पीछे हो आप गवर्नमेंट है ना आप तो थोड़ा सा पीछे इसको हां या थोड़े थोड़े आप आगे आ जाओ बस 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 बस, बस हाँ ठीक है तो आपने ये कंप्रेसर किन को बेचा है, है? एसी बनाने वाले, बनाने वाले को कितने में बेचा एक एक पेमेंट करो ग्यारह सो अस्सी रुपए का पेमेंट कर दिया है ठीक आपकी जीएसटी लाइबिलिटी कितनी है जीएसटी लाइबिलिटी एक सौ अस्सी बराबर कोई दिक्कत लेकिन यार मुझे एक दिक्कत है क्या है कोई एक बताओ आप बताइए हां क्या क्या प्रॉब्लम बताओ ना एक करके हां इसमें वायर है कंप्रेसर में और फिर तुमने हजार रुपए पूरे के ऊपर फिर से लगा दिया तो डबल डबल नहीं लग गया क्या इन्होंने सरकार से बात रखी सरकार डबल है क्या होना चाहिए क्या सोल्यूशन है किसी के पास ऐसे की तैसे लोग एनालाइज नहीं कर रहे लॉ बना रहे हैं बनेगा यहां लॉ बनेगा जी क्या करें बताइए कौन बताएगा अठारह माइनस कर दे एक सौ अस्सी बना तो यार ये वायर जो लगा है इस पे तो चला गया ना आ गया ना पैसा वायर पे दोबारा क्यों मांग रहे हो फिर तो ये बोलेंगे कि यार कम पे कर दो तो 180 में से 18 माइनस कर क्या बचा वन वन सिक्सटी टू इनको दे दो आप हिसाब रखना अपना हाथ पे लिख लो भूल जाओगे नहीं फिर कहां से कितना पहले में कितना आया हाथ पे लिखो पक्का लिख करो अठारह अब कितना आया वन ठीक अच्छा, अब ये यहां से इसको खरीद के लाए थे एक हजार अस्सी का एंड अब इन्होंने क्या किया है अच्छा कंप्रेसर तक हिसाब हो चुका है यहां तक गवर्नमेंट के पास टोटल अमाउंट कितना कितना इस पर कंप्रेसर पर क्या बनता था फाइनल 180. यहां तक हिसाब क्लियर है कंप्रेसर तक हिसाब बिल्कुल क्लियर हो चुका आगे बढ़ते हैं अब इन्होंने उस कंप्रेसर को लाकर एसी।, एसी बना दिया कार का एसी देख पा रहे हैं आप यहां देख लो नहीं देख रहे तो कार का एसी बना दिया अब 11,800 का 10,000 में बेचा ना बेचा था 18% परसेंट का जीएसटी 11,800 हो गया है राइट तो आपकी जीएसटी लाइबिलिटी क्या बनती है एक हजार तो आपको कितना देना है इनको एक हजार आठ सौ गलत हो जाएगा ना क्या करें एक सौ अस्सी कम पक्का भैया मैंने जब ये कंप्रेसर लिया था तो इस पे था एक सौ अस्सी उतना कम पे करेंगे कितना पे करोगे वन सिक्स पे करो सरकार को पैसा दे भाई सारे पकड़ा दिए ठीक है वन सिक्स टू जीरो वन सिक्स टू जीरो सरकार के पास पहुंच जाते हैं चेक कर लो सरकार जोर से बोलो, हाँ। बोलो हाँ सरकार <laughs> सरकार, हाँ। कितना पैसा आया अच्छा, तो। कितना आया अच्छा, तो। लिखते ना, रहना हिसाब में गड़बड़ना पड़ जाए अठारह आ चुका है इनके पास में एंड उसके बाद आगे बढ़े यानी कि ए सी तक की बात क्लियर हो गई करेक्ट अच्छा अब यहां ये कार मैन्यूफेक्चर मारुति सुजुकी कौन है आज के बाद कोई सुजुकी नाम से मत बुलाना लेकिन उनको मारुति सुजुकी सुजुका तो यहां पर ये कार का एसी ले गए और कार में एसी फिट कर दिया बराबर और कार खरीदने के लिए कौन आएगा यहां पर बड़ा सा चेक लेकर आए दस लाख की कार है हालांकि कार पे जीएसटी का रेट ट्वेंटी एट परसेंट है पर हमें रेट्स पर वैसे नहीं जाना अठारह मान लेते हैं हम सिंप्लिसिटी के लिए और वैसे भी हम पे रेट के ऊपर टेस्ट नहीं किया जाएगा एग्जाम में कि बताइए किस पर कितना रेट है वो रेट सारे दिए हुए होंगे ठीक है क्योंकि हजारों की रेट है तो हमें रेट याद रखने के लिए नहीं बोला जाता अठारह मान लेते एक लाख अस्सी हजार का जीएसटी इसके ऊपर बन जाता है तो पूरी कार की वैल्यू कितनी बनी रहे ग्यारह लाख अस्सी हजार कोई कार खरीदने के लिए चेक लेकर यहां पर आ जाइए कौन आएगा कोई भी आ जा उठ के आइए। अरमानी एक्सचेंज ये चेक लेके आए यार। भगवान के यहां बहन के यहां और एक तीसरी जगह पर और बिना पैसों के नहीं जाते कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं तोहफा कहां कहां भगवान के यहां बहन के यहां खाली हाथ नहीं जाते खाली हाथ नहीं जाते याद रखना आए पैसे दीजिए ग्यारह लाख अस्सी हजार दे दिए और कार ये यहां से ले जाते हैं मैं फ्लाइट में रख के नहीं ला पाया वरना ये सारी चीजें मेरे पास प्रैक्टिकली हैं। मतलब जब मैं क्लास हमारी चलती है ना वहां पे दिल्ली में तो ये वायर भी है ये भी है ये भी प्रैक्ट रखे होते हैं सामने और कार कार छोटी ले रखी है मैंने खैर तो यहां से ये कार लेकर अपने चले जाते तुम जाओ यहीं रुको जरा अब साहब आप बताइए आपकी जीएस लाइब्रेटी कितनी दिख रही है वन लैख एटी थाउजेंड लेकिन क्या ये सही है क्या होगा एटीन थाउजेंड एटीन हंड्रेड आप ऑलरेडी दे चुके हैं अब कितना और देंगे वन सेवेंटी एट दीजिए इनको सरकार लिख लो कितना आया तुम्हारे पास अब ये सारा मिला मिलो कितना आ गया एक लाख इस एक लाख अस्सी हजार जो तुम्हारे पास आया इसका बियर कौन है क्या आपने सहा क्या आपकी जेब से गया क्या आपकी जेब से क्या आपकी जेब से? से किसका पैसा ये अरमानी एक्सचेंज का ये पैसा इसका ये कौन था एंड यूजर ये कौन था कंज क्या बोल रहे हैं करंज हां यार ठीक कह रहे हो बिल्कुल यू आर राइट एब सलूटली राइट नहीं तुम लगती है सो करंज और जैसे ठीक है साहब तो अब सुनिए अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे कि इंडायरेक्ट टैक्स कौन बियर करता है एंड यू सिद्ध हो गया प्रूव हो गया यहां पे आके अब एक बात समझ नहीं आ रही यार ये जो हम कर रहे थे ना कि भाई एक सौ अस्सी बना अठारह रुपए कम दे दो ये कम को ही बोलते हैं क्रेडिट कि आपको इतने का सरकार ने क्या दे दिया क्रेडिट उसको एडजस्ट कर लो अपनी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में ठीक बोला मैं एक सौ अस्सी की लाइबिलिटी बनती थी आउटपुट लाइबिलिटी उसको पे ऑफ करने के लिए हमने एटीन रुपीज का क्रेडिट यूज कर लिया इस्तेमाल कर लिया एडजस्ट कर लिया एंड नेट लाइबिलिटी 162 पे कर दी और वही सबने किया है यही है आपका क्रेडिट कॉन्सेप्ट इज इट ओके लेकिन ये बात तो समझ में आ गई क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कि भाई आपको सिर्फ इस एंगल से ग्लास को दिखाऊं मैं ग्लास को उल्टा करके भी दिखाऊंगा मैं सीधा भी करूंगा तिरछा भी करूंगा हर एंगल से देखेंगे बात को भाई साहब अगर यही करना था तो यह सब नाटक क्यों इनको बोलते दस लाख की कार है जीएसटी भर दे इससे ले और भर दे राइट, ये बिना बात कर नाटक क्यों पहले इनसे लिया भरवा दिया जो दिया सरकार गया उतने का इसको क्रेडिट दे दिया तो प्रैक्टिकली क्या सरकार को कुछ मिला इस ट्रांजैक्शन पे क्या प्रैक्ट रियलिटी में कुछ मिला जो इन्होंने दिया वो इनको क्रेडिट मिल गया अच्छा जो इन्होंने दिया वही से क्रेडिट मिल गया अगले वाले को यहां तक तो कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा मतलब ये तो वाली बात होगी तुम मुझे कैश दो और मैं तुम्हें चेक लिख कर दे दू तो कुछ मिला क्या तो वही सरकार कर रही है कि जितना पैसा आ रहा है उतने का क्रेडिट दे रही तो बात वही हो क्यों होगी बराबर क्या इस ट्रांजैक्शन में कुछ मिला सरकार को यहां से जो गया उतने क्रेडिट मिल गया सरकार को वास्तव में पैसा कब मिला जब एंड यूजर ने वो खरीदा जब उसके आगे सेल परचेज होनी बंद हो गई अब मेरी बात सुनना ये जो पहली ट्रांजैक्शन थी ना एंड यूजर से पहले वाली बाबू इनको इंग्लिश में बोलते हैं बी टू बी ट्रांजेक्शन बी टू बी ट्रांस और इसको बोलते हैं लास्ट वाली को बी टू सी ट्रांस तो क्या मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूं कि बी टू बी ट्रांजेक्शन में गवर्नमेंट को प्रैक्टिकली कोई रेवेन्यू सरकार को रेवेन्यू कम मिलता है बी टू जब तक बी टू सी ट्रांजेक्शन नहीं होगी सरकार को कुछ भी मिलने वाला चाहे मैं कह रहा हूं बी टू बी की पचास ट्रांजेक्शन हो जाए एक रुपया नहीं मिल रहा सरकार को कि जो जा रहा है वो क्रेडिट जा रहा है क्रेडिट यहां आके सरकार को मिलता है लेकिन आगे चल के क्रेडिट ये एंड ये यूजर था ये किस चीज का क्रेडिट बुक करेगा तो क्योंकि क्रेडिट तो वो बुक कर सकता है जिसको आउटपुट लाइबिलिटी बनती हो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ये भी कह रही थी सरकार कहती है तुम हमें आउटपुट टैक्स दोगे तो हम तुम्हें क्रेडिट दे देंगे क्रेडिट कंडीशनल है तुम दे रहे हो तो हम तुम्हारे बारे में सोचेंगे इफ यू आर नॉट पिंग योर आउटपुट जीएसटी इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड इफ यू आर नॉट अ बिजनेसमैन तो आपके लिए क्रेडिट का कोई मतलब नहीं अब एक और क्वेश्चन आया अगर यही है मैं एक अस्सी चाहिए थे सरकार तो लास्ट में लेते ना यार ये बिना बात नाटक का एकको बनाया आर यू केटिंग माई क्वेश्चन क्यों अगर यहां चेन में पचास व्यक्ति जुड़ पचास गए पचास बी टू बी ट्रांजेक्शन हो गई तो यार पचास बार ये क्या हो रहा है ये अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड ये ये क्या नाटक है ये ऐसा नहीं होना चाहिए क्या समझे समझ क्वेश्चन समझ में आया क्यों कर रही है बताइए कौन बताएगा क्यों हो रहा है ऐसा जी बताएं जैसे जैसे वैल्यू ऐड होती जा रही है अच्छा यहां से मुझे एक बात और पकड़ में आ गई इनकी बात से कि जीएसटी इज ए काइंड ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स अरे भाई साहब ये कुछ नया नहीं है तो वैट वैट वैल्यू एडेड टैक्स मतलब जो जितनी वैल्यू एड करता जा रहा था वो अपने अपने हिस्से पर जीएसटी अब देखो यहां सौ का था आपने कितने कर दिया एक हजार का है ना कितना वैल्यू एड किया आपने नौ सौ रुपए नौ सौ का अठारह अच्छा परसेंट कितना होता है भाई नौ सौ का अठारह वही तो आपने पे किया है वो यहां निकल के आएगा जो जितनी वैल्यू ऐड करता जा रहा है अपने अपने हिस्से का जीएसटी आगे से लेकर सरकार को देता जा पर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला ये बात तो आपने सही बताई पर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हो क्यों रहा है यहां भी तो कर सकते थे मैं लॉ मेकर के पीछे कभी नहीं भागूंगा मैं तुमसे कभी नहीं कहूँगा चुप लॉ लौमे, मेकर ने बोल रखा मैं तो उसके अगेंस्ट जाता हूं मैं तो लॉमेकर को चैलेंज कर रहा हूं कि तुमने बिना बात कर नाटक बना रखा है ये टैक्स यहां भी ले सकते थे दस लाख पे लगा थे, था अठारह परसेंट एक अस्सी सरकार को मिलता वन शॉट में खत्म क्या मैं ठीक हूं अगर नहीं तो क्यों नहीं बताइए यस मैं समझ गया आपके क्या कहना चाह रहे हैं करेक्ट सर ऐसा नहीं कि कंप्रेसर ऑलवेज यहां कार बनाने में यूज होगा ये आपका ये भी तो एंड यूजर ले जा सकता है इसको तो मेरे बब्बू मैं ये तो कह रहा हूं कि किसी भी गुड्स का जब बी टू सी ट्रांजेक्शन हो रही वहां लगा दो बी टू बी पर लगाओ ही मत ठीक बोला मैं मान ली आपकी बात तो अगर इसे लेके जा रहा है एंड यूजर लगा दो इसमें ही कार जा रही अगर ये आगे जा रहा बी टू बी में जा रहा तो मत लगाओ बी टू सी पे लगाओ बस वही मैं कह रहा था बी टू सी पे लगाइए हाँ आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट इस चेन को कंट्रोल कर पाएगी ऐसे करके ऑडी का लोगो देखा है आपने कैसा होता है कैसा होता है ऐसे 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 ना चार छल्ले ऐसे ऐसे करके होता है गुड 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 पाइप है किसी के पास पाइप या हुँ? पाइप नहीं है यहां पे यार मुझे पाइप चाहिए थी सर पाइप है यहां पे भाई अगर कोई पाइप का इंतजाम कर दे तो उसका लाख लाख धन्यवाद अरे वाह अरे वाह 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 वा। कमाल कर दिया साहब कमाल कर दिया अब ये पाइप जो है ना ये यहां से यहां तक आ रही ये इसका स्टार्टिंग ये इसका एंड हो गया ठीक मैं इस पाइप में ये ग्लास पकड़ रखू यहां लगा उसके नीचे जितना डाला उतना निकला रीटेक 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 पाइप बहुत बढ़िया लेके आए आप अब मैं क्या करता हूं इस पाइप में दो तीन होल बना दू नीचे बना सकता हूं मैं अच्छा अगर मान लो होल बना दिया अगर मैं उसके नीचे दो तीन होल कर दिए इसमें एंड देन फिर से करते हैं और अब मैं फिर से पानी डाला होल बने हुए इस पाइप के अंदर अब बताइए कि जितना पानी डाला उतना निकलेगा समझ में गई कुछ बात क्या समझ में आया ये रही पाइपलाइन और ये है इसका ये सिरा और ये है इसका ये वाला सिरा तो अगर हम जो कह रहे हैं कि लास्ट पॉइंट पर टैक्स लगा दो ठीक है तो जब यहां से तो शुरुआत यहां से हुई थी ना तो यहां से पानी डालेंगे डालेंगे तो चीजें बीच में डाइवर्ट हो जाएंगे चोरी कर ले जाएंगे क्योंकि तो इस चेन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल है ही नहीं वहां तक उतना पानी पहुंच ही नहीं पाएगा अगर हमने इस चेन को कंट्रोल नहीं किया तो तो भले ही गवर्नमेंट को यहां बी टू बी में एक रुपया ना मिल रहा सही लेकिन उन्होंने इस पाइपलाइन लाइन की मजबूती को पकड़ रखा है कि एक भी होल इसमें होने नहीं देंगे और जितना यहां से चला है उतना ही यहां पर पानी निकलेगा ठीक अब यहां से यहां, यहां तो एक दूसरे को ऐसे करके फंसा रखा है ना कि इनका आउटपुट इनका क्या बनता है इनपुट इनका आउटपुट समझ में आगे बात अगर मान लीजिए ये सौ यूनिट यहां से खरीद के लाए तो सौ का हिसाब देना पड़ेगा कहां गए सौ कंप्रेसर यहां से यहां आए चोरी करके तो दिखाए अगर मान लो चोरी करेगा ये वाला तो भाई समझ तो साठ ए बेचे हैं बस तो भाई चालीस कंप्रेसर कहां गए आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऐसे करके यूं फंसा रखा है ऑडी के छल्ले की तरह लोगों की तरह तो गवर्नमेंट को दो में से एक चीज चाहिए क्या एक तो चाहिए या तो चाहिए रेवेन्यू पैसा या चाहिए क्या कंट्रोल जोरदार तालियां भाई के लिए या तो सरकार को चाहिए रेवेन्यू या चाहिए कंट्रोल एक चीज जरूर चाहिए ध्यान रखना बड़ी बात बोल रहा हूं न जाने कितने सारे कॉन्सेप्ट का बेस बनेगा यह आपका कंट्रोल वर्ड यहां से यहां तक बी टू बी है तो वहां सरकार को कंट्रोल चाहिए था पैसा नहीं लेकिन बी टू सी में फाइनली सरकार को पैसा चाहिए इसलिए ऑल ट्रांजैक्शंस आर लाइबल टू जीएसटी बी टू बी में क्रेडिट मिल जाएगा बी टू सी में फाइनली सरकार को टैक्स करा दिया जाएगा। I hope कि आपको क्रेडिट समझ में आ गया है right? Thank बहुत, बहुत धन्यवाद आपका, अब पैसे का आप कर कोई रिवार्ड मिलता तो अच्छा लगता है भाई ये पैसे ले जाना जिसके थे में से कुछ मेरे बहुत सारे मेरे हैं लेकिन आप पैसे लेना इसमें से ठीक है चलो ये पांच पांच सौ वाले मेरे हैं ठीक है। अभी दे अभी, दे अभी दे ये देखना अच्छा ब्रेक का टाइम हो गया मुझे पता नहीं लगा आपको लगा मुझे भी लगा ये देखो देखना अब मैंने आपका ना वो वाला काम भी खत्म कर रखा है कि बिना बात लिखते रहो लिखते रहो पूरा का पूरा डेमो आपका लिखा हुआ है यहां पर विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के साथ में ठीक है चलो जी उसके बाद तो चलिए मैं आपको ब्रेक देता हूं और ब्रेक के बाद चीजों को फिर से कंटिन्यू करेंगे ब्रेक बाय <laughs> बाय हेलो कपड़ा है कोई कपड़ा पानी फैल गया नहीं कुछ दिन पर होगी ओके थैंक यू ब्रो ये क्लास ऐप पे चल रही है हाँ चल रही है स्टार्ट करें आगे आ रहा है इंपॉर्टेंट फीचर्स किसके इंपोर्टेंट फीचर्स अगेन जी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी नहीं इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेशन में सिर्फ जीएसटी नहीं आता और भी कई सारे टैक्सेस चुन्नू मुन्नू टाइप के आ जाते हैं तो एक दो कोशिश करो आप इनडायरेक्ट टैक्स अगर कहीं बाजार में मिल गया शुक्रवार पेंट में बुधवार पेंट, जो भी पेंट हु इसमें क्या खोल दिया तो मुझे नहीं पता शिव शिव मुझे शिव 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 शुक्रवार पेट जहां गणेश जी का मंदिर है वहां मिल गया अब ठीक है वहां मिल गया तो कैसे पहचानोगे क्या करेक्टरिस्टिक है कैसे चरित्र का है कैसे करेक्टर का है इंडरेक्टिक्स हर व्यक्ति के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं ना कि दिखने में करण जौहर जैसा है या मतलब लाइक दैट ऐसे <laughs> वैसे ही तो ये ये दिखने में कैसा है अच्छा कमाने वाला है अच्छा खासा या फिर मॉडरेट कमाई वाला है कैसा है तो मैं आपको बता दूं शायद आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि पिछले दो बार से सरकार का जो जीएसटी कलेक्शन है कितना जा रहा है 1.5 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ एक महीने का के पार चला गया और पता है बिफोर जीएसटी क्या थी इंडरेक्ट टैक्सी कलेक्शन बताऊं मैं आपको इसका हाफ कर दीजिए आप आधा यानी कि जीएसटी आने से इनकम सरकार की हो गई डबल साल का कितना हो गया डेढ़ लाख करोड़ के हिसाब से अठारह अठारह लाख करोड़ हालांकि अगर बीते साल की हम बात करें तो शुरुआती महीनों में डेढ़ लाख करोड़ के पार नहीं था तो लगभग सोलह लाख करोड़ के आसपास का अनुमान यहां पर लिया जा सकता है, इतनी है। पहले दोनों की मिलाकर होती थी डी टी आई डी टी दोनों की मिलाकर सोलह लाख करोड़ की थी अभी अकेले की आई कितना रेवेन्यू सरकार के पास में नहीं तो इट्स मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इट्स ए मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू पहला पॉइंट पढ़कर देख लेते हैं और ऑनलाइन क्या हाल चाल तेरे हैं लगन अरोड़ा लगन अरोड़ा आ गया नहीं आया यस yes, यार जीनियस आगे से ना इसको ऐसे करके चलना मुझे इधर इसे इधर आगे सेटिंग में ना हाँ मुझे लेफ्ट में रख ऐसे हाँ अरे जीनियस ये अच्छा लगता है जी साहब तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू लिख सकते हैं सिक्सटीन लाख करोड़ पर एन एम ये इसकी कमाई है इनडायरेक्ट टैक्सेस आर अ मेजर सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यूज फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड एंड कॉन्टिन्यू टू ग्रो इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्ट्रीब्यूट मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ टोटल टैक्स रेवेन्यूज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब जो भी हमारे टैक्स कलेक्शन इंडिया की है उसमें से लगभग आधा या आधे से थोड़ा बहुत ज्यादा आईडीटी का है अच्छा खासा कमाई करने वाला है इतना ही डायरेक्ट टैक्स में आता है अच्छा वैसे ये जीएसटी आने से इनकम टैक्स पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा मैं बताता हूं देखो पहले जब जीएसटी बिजनेसमैन के लिए होता है तो पहले बिजनेसमैन पर इतना कंट्रोल नहीं था पुराने सिस्टम्स के अंदर चोरी के ढेर सारे रास्ते बने हुए थे बड़ी समस्याएं थी ऐसे मानो पहले कई सारी झुग्गी झोपड़ी पड़ी हुई थी उनको तोड़फोड़ करके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया है जीएसटी के नाम का तो पहले लीकेज बहुत ज्यादा थी तो जब एक बिजनेसमैन अपना टर्नओवर ही नहीं दिखाएगा जहां टर्नओवर ओवर सौ करोड़ बनता है वो बीस करोड़ दिखाएगा तो जो इनकम टैक्स दिखेगा जो प्रॉफिट दिखेगा वो बीस करोड़ में से ही दिखेगा ना अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स कम जाता था अभी सरकार ने जीएसटी में ऐसे बांध के रख दिया कि बेटा भाग के दिखा तो सौ करोड़ का टर्न ओवर तो सौ करोड़ ही दिखाना पड़ेगा और अब क्या है पहले जितना टर्न ओवर दिखाते थे अब उतना प्रॉफिट दिखता है समझा की बात जैसा जितना पहले टर्न ओवर दिखाते थे अब उतना प्रॉफिट दिखता तो करस्पॉन्डिंगली जीएसटी के आने से इनकम टैक्स में भी ग्रोथ हुई ऊपर से सरकार ने इनकम टैक्स के रेट और बढ़ा दिए तो ऐसे करके सरकार खूब मोटा पैसा कमा रही है और नो डाउट डेवलपमेंट में भी लगा रही है खैर आगे है टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेस जो ये इंडायरेक्ट टैक्स होता है ना ये किसी पर्सन को नहीं पकड़ता आपका इनकम टैक्स पर्सन को पकड़ता है पर्सन को और ये किस पे फोकस बना के रखता है अपना गुड्स या सर्विस फोकस मतलब हर व्यक्ति का फोकस अलग अलग होता है ना कि किसका फोकस कहां जा रहा है देखो आपकी उम्र में ऐसा क्यों बोला जाता है मैं आपको बताऊं देखो मुझसे छोटे हो तो इस पॉइंट पे भी गाइड करना मेरा मतलब धर्म बनता है ठीक है कभी कभी क्या होता है पेरेंट्स बच्चों से खुल के बात नहीं कर पाते पर मैं खुल के आपसे बात, बात कर सकता हूं इस उम्र में आपको क्यों बोला जाता है कि यार यारी दोस्ती में ज्यादा मत पढ़ना ऐसे वैसे मत करना पढ़ाई रख करके चलना क्योंकि यार क्या होता है ना कि जब हम इस तरह के प्यार मोहब्बत के खेल में फंसते हैं ना तो हमारा मैं ये नहीं कह रहा कि क्या गलत है मैं ये नहीं कह रहा कि क्या गलत है क्या सही है मैं उस पर नहीं जा रहा मैं ये कह रहा हूं कि आपका फोकस डाइवर्ट होता है आप इस बात पर एग्री करेंगे आपका फोकस डाइवर्ट होता है द मोमेंट आपका फोकस डाइवर्ट हुआ आप ग्रेजुअली आप नीचे आने लगते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी प्रोग्रेस जो होने वाली थी वो कहां आके रुक गई और पता नहीं चलता आपको आपने कभी वो आ, प्रैक्टिकल स्केल जैसे बचपन में हम करते थे एक लेंस लेकर सूरज की तरफ ऐसे करते थे और नीचे कागज में आग लगा देते थे ना फोकस्ड फोकस्ड जो व्यक्ति अपनी पूरी एनर्जी बड़ी बात बता रहा हूं उस पूरी एनर्जी को ताकत को वैसे धूप बिखरी हुई है वो आग नहीं लगा पा रही लेकिन मैंने उसको इकट्ठा कर दिया एक पॉइंट पे लाके रख दिया तो उसी ने आग लगा दी तो ऐसे ही मेरे बच्चा मेरे कबूतर मेरे लाल फोकस्ड रहना इन कामों के लिए न सीए बनने के बाद खूब कहीं जहां मर तुम घूमना तुम रशिया घूमना पर्सिया घूमना कहीं घूमना तुम लेकिन अभी फोकस्ड लाइफ में काबिल बन जाओगे पास हो जाओगे तो सब कुछ मिलेगा जीवन में और अगर पास नहीं हो पाए तो खत्म कहानी यही दो चार साल की मस्ती रह जाएगी और फिर भटकते फिरोगे क्या हालत होगी मैं आपको बताऊं छोटा सा इंसिडेंस मैं और मेरा एक दोस्त मैं आपसे बात कर रहा हूं करीब बाईस साल पुरानी पढ़ाई सीए कर रहे थे जब हम हम थोड़े पढ़ाई में ध्यान देते थे क्योंकि हमारे सामने यह था कि करो या मरो कुछ ऐसी स्थिति थी कि भाई करना ही पड़ेगा कुछ और ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में हर हाल में करना ही पड़ेगा तो प्यार मोहब्बत शब्दों के लिए तो जगह ही नहीं थी मतलब ये हालत थे हमारे दोस्त था वो फैमिली उसकी काफी मतलब रिचेस्ट फैमिली से था ज़्यादा ध्यान नहीं देता था वो मैं कहता था पढ़ले पढ़लें पढ़ लगाया सी छोड़ दिया उसने बीच में जब क्लियर नहीं हुआ तो फिर एल एल बी कर ली ये कर लिया वो कर लिया बड़े हुए बंटवारा हुआ उनके भाइयों के बीच में वो अकेले रह गए दिल्ली में उनका परिवार रहता है मेरे साथ कहीं है और उनको जॉब के लिए कभी बेंगलोर जाना पड़ रहा है कभी केरला जाना पड़ रहा है वही पचास साठ हजार रुपये की जॉब कभी कहीं कभी कहीं उनका मेरे पास फोन आया कि यार तू ही अपने यहां नौकरी दे दे मुझे कम से कम अपने परिवार के साथ रहूंगा। तो रहूंगा ये बात सुन के ना मेरे बहुत धक्का सा लगा कि मेरा दो जैसे लंगोटिया यार बोलते हैं ना वो मुझसे कह रहा है कि यार तू मुझे नौकरी दे दे मैं कम से कम अपने परिवार के साथ तो रह पाऊंगा तो बच्चा मेरे मैं ये कह रहा हूं आपसे कि जो दो चार साल की ये जो पीरियड होता है ना इसको ठीक से मैनेज कर ले जाओ फोकस्ड होकर देखो यार जन्नत ही जन्नत है लाइफ के अगर मजे लेने ना आपको वाकई में तो इन दो -चार सालों को फोकस्ड फोकस देना दोस्त है दोस्त तक सीमित रखना इसके आगे मत बढ़ना ठीक है वरना फोकस बिगड़ जाते आगे बढ़ते टैक्स लगता है इसका फोकस कहां है गुड्स या सर्विसेज के ऊपर फोकस बना के रखे हुआ यहां पर पर्सन के ऊपर नहीं इनकम टैक्स पर्सन को पकड़ता है शिफ्टिंग ऑफ बर्डन क्या मैं ठीक बोल रहा हूं क्या हो रहा था ये यही हो रहा था ना इसने उसको इसने उसको, इसने बॉल उछाल दी उसने वहां उछाल दी उसने वहां उछाल दी ऐसे करके बॉल उछाल दी और अल्टीमेटली बॉल कैच किसने करी म्यूजिकल चेयर नहीं होती वो वो जो पिलो होता है घूमता रहता है घूमता रहता है म्यूजिक बंद होता है तो जिसके पास रह जाता है बस वो फंस गया फिर ऐसे होता है ना तो जब बी टू सी ट्रांजेक्शन होगी जहां रुक जाएगी उसी के ऊपर फाइनली लोड आ जाएगा शिफ्टिंग ऑफ बर्डन दर इज ए क्लियर शिफ्टिंग ऑफ ऑन द टैक्स इन द कॉस्ट ऑफ commodity, राइट नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट pinch. आपने फीस कितनी दी मेरी 6,100. हजार एक सौ क्या आपको जीएसटी ने चुभा था आपको आपके दिमाग में पता है जीएसटी था ही नहीं आपके दिमाग में था कि यस आपकी फीस छ हजार एक सौ ही है, है टॉप मॉडल कार आ रही है भाई साहब लाख रुपए की है है ना आपको लगता है कार की वर्थ ही अठारह लाख है आपको नहीं पता इसमें चार लाख के टैक्स है कार की वर्थ चौदह लाख की है चार लाख के टैक्स लगे हुए हैं तो हम उसको उसका वैल्यू का पार्ट मानकर चलते हैं है राइट तो इसलिए हमें डायरेक्ट पिंच नहीं कर पाता है इनकम टैक्स ये चुभता है क्योंकि तो जिसके ऊपर लगता है दर्द इसका उसी को होता है तो ये पिंच कर जाता है तो ये लिखा है यहां पर सिंस वैल्यू ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली इन बिल्ट इन द प्राइस अलग से नहीं होती है अब ये था वो पैकेट था दस रुपए एमआरपी दस रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल तो खुल के नहीं आती वैल्यू ऐसे आती है मोस्ट ऑफ द टाइम द टैक्स पेयर पेज द सेम विदाउट एक्चुअली नोइंग दैट ही इज पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट मार्चिस माचिस खरीद के लाते हो एक रुपए की आप आपको पता ही नहीं है कि उसमें टैक्स भी आप पे कर रहे हो इनडायरेक्टली आप कुछ भी खरीदते हो बाजार से हर चीज पे आप टैक्स पे अच्छा बेस किसका बड़ा है बेस डायरेक्ट टैक्स का बेस बड़ा है या इनडायरेक्ट टैक्स का है कैसे यहां कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि यस मुझ पर इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लगता है सब पे लगता है सब पे हर रोज लगता है हर घंटे हर पल लगता है राइट right? लेकिन इनकम टैक्स कुछ ही लोगों पर लगाया जाता है आप में से कोई भी इनकम टैक्स के दायरे में शायद नहीं आता होगा am I right? अच्छा, लेकिन डायरेक्ट में कोई नहीं आता, indirect में सारे आते हैं तो आगे इन वाइडर टैक्स बेस द इनडायरेक्ट टैक्स द गुड्स और सर्विसेज जो हैं लाइबल टू इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं इन फ्लैशनरी कैसे ये महंगाई से इसका क्या संबंध है अगर कार के ऊपर या मान लीजिए जो आप नमकीन का पैकेट खा रहे थे इस पर जीएसटी का रेट अठारह परसेंट से बढ़कर ट्वेंटी एट परसेंट हो जाता है तो क्या प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और नो। लेकिन कल को अगर इनकम टैक्स का रेट फोर्टी परसेंट से बढ़कर सिक्सटी परसेंट हो जाए तो क्या ये बॉटल महंगी हो जाएगी समझेंगे सर डायरेक्ट टैक्स आपका इन्फ्लेशन से कोई कनेक्शन नहीं बट इनडायरेक्ट टैक्स का चूंकि एंड यूजर से कनेक्शन है इसलिए उसका इन्फ्लेशन से सीधा सीधा संबंध है उसके रेट्स घटेंगे तो महंगाई घटेगी रेट तो बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी वेरी गुड रिग्रेसिव इन नेचर मैंने बताया था आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पापा की परी है या आप पापा के परा है कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं, नहीं पड़ता आप अमीर हैं गरीब हैं आपकी जाति क्या है आपकी उम्र क्या है आपका जेंडर क्या कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यह सबको एक नजर से देखता है रिग्रेस संभाव, भाव बोलते हैं हिंदी में समभाव मतलब कुछ असर ही नहीं पड़ता रिग्रेसिव बस सबके लिए जैसा है भगवान बुद्ध थे ना कोई सुंदर व्यक्ति भी पहुंचे तब भी वो नहीं मतलब आ, 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 आ। प्रमोट करता है सोशल वेलफेयर को प्रमोट करता है सोशल वेल कैसे भाई साहब ये देखकर सा आ जाएगा पॉइंट पढ़ के कि ये इनडायरेक्ट टैक्स सोशल वेलफेयर मतलब समाज के लिए कैसे अच्छा है तो बता क्या कह रहा है कह रहा है कि देखो ये जो डिमेरिट्स गुड होते ना डिमेरिट गुड्स कौन से गंदे वाले गुड्स जैसे टोबैको एल्कोहल हालांकि एल्कोहल पे जीएसटी नहीं है टोबैको वेको ये गंदी गंदी चीज है ना खरा इन पे ना हमने हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स रखा हुआ है और उससे क्या होगा फिर उससे क्या होगा कि इसकी कीमतें बढ़ेंगी कीमत बढ़ेंगी तो लोग कम खरीदेंगे और ऐसे करके हम समाज का भला कर रहे हैं कम से कम लोग तंबाकू खाएंगे तो समाज का भला है कि नहीं है अरे तो हमने कहा भैया इकोनॉमिक्स हमने भी पढ़ रखी है इस तरह की चीजें जो होती है हैबिटुअल नेचर की जो होती हैं उस पर इलास्टिक जो डिमांड काम इनकी डिमांड इन होती है आप इस पे 250 परसेंट का टैक्स लगा दो तब भी खाने वाला तो और पीने वाला ठीक है ना तो गवर्नमेंट इनसे क्या कर रही है खूब पैसा खींच रही है खूब पैसा खींच रही है लेकिन दिखाया क्या आपको यहां लिखकर कि देखिए हम समाज का भला कर रहे हैं प्रमोट करते हैं सोशल वेलफेयर को हाई टैक्सेस आर इंपोज ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स जब सरकार इस तरह का प्रमोशन कर रही है तो बंद क्यों नहीं कर देती इनको बंद ही करे खत्म करे शराब की दुकानें बंद कर दे टोबैको प्रोडक्ट बंद कर दे खत्म लेकिन नहीं मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू एक तरफ कहते इसे मत पी करे पी पैसे ला लॉकडाउन में सबसे पहले क्या खुला हाई टैक्सेस आर इंपोज ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मल प्रोडक्ट नोन एज सिन गुड्स क्या बोलते इनको सिन सिन गुड्स सच एज एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स टोबैको प्रोडक्ट्स दिस नॉट ओनली कंट्रोल देयर कंजम्पन बट ऑल्सो द स्टेट टू कलेक्ट सब्सटेंशियल मुझे बताओ ये जो पॉइंट हैं अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि बताइए कोई चार पांच पॉइंट बताइए इनडायरेक्ट टैक्स के फीचर क्या हैं लिख सकते हो या नहीं पक्का ना ग्रेट हालांकि मैं लिखना सिखाऊंगा आपको बट अभी जब अंदर से ये आवाज आती है कि लिख सकते हैं तो मतलब आपको बात समझ में आ गई है डिफरेंस और बताइए डायरेक्ट और टैक्स में ये से देख नहीं रहे हम बिना देखे बात करते हैं क्या अंतर है डायरेक्ट और इंडा टैक्स में एक रिग्रेसिव है एक प्रोग्रेसिव है एक कंपेरेटिवली वाइडर है एक नैरो है और एक डायरेक्ट पिंच करता है एक डायरेक्ट पिंच नहीं करता एक का इन्फ्लेशन से कनेक्शन है दूसरे का नहीं है एक गुड सर्विस पे लगता है दूसरा पर्सन पे लगाया जाता है कर सकते हो ना तो टाइम वेस्ट ना करें चलो ये आ गया बर्डन ऑफ टैक्स पहला पॉइंट पॉइंट सबसे मेन है।, है और इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स में स्वयं के ऊपर ही पड़ता है खुद के ऊपर पड़ता है नेचर रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव टैक्स बेस बड़ा छोटा कलेक्शन ऑफ अमाउंट दस बारह लाख करोड़ मैंने लिखा है आप इसे ऐसे कर लीजिए फोर्टीन टू सिक्सटीन लैख करोड़ कर लें आप इसे लैख करोड़ उतना अमाउंट इससे आ रहा है इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन आ गया इफेक्ट ऑन पर्सन आ गया इंपोज किसके ऊपर होता है एग्जाम्पल्स आपके यहां पर दे दिए गए हैं ठीक तो चार पांच अगर अंतर आपके लिए आते हैं लिखने के लिए तो आप आराम से लिख सकते हो ठीक देखिए बात को जड़ से समझने का बेनिफिट यह होता है कि इस तरह के जो थ्योरिटिकल क्वेश्चन आते हैं ना उनका आंसर आप बिना देखे भी कर सकते हो अगला है कि भाई ठीक है हमने अब तक जो बात कर रहे थे दरअसल इनडायरेक्ट टेक्स की हम बात कर रहे थे मेरा ऑनलाइन बच्चा मस्त सर जीनियस होस है सर ब्रेक टाइम कर दो सर ब्रेक टाइम कौन सा आ रहा है पुराना तो चल रहा है क्या बुक नहीं है बुक आएगी मेरे लड्डू आएगी बुक चिंता मत कर <laughs> तो हाँ जी अब सुनिए जरा बच्चा सुनो यार ये पुराने सिस्टम में क्या कमियां रह गई थी जो नए को लाना पड़ा कि एक से तलाक हो गया और दूसरी को ले आए तो हमें जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि जीएसटी क्यों आया मतलब इसमें ऐसी क्या खूबियां हैं या पुराने में ऐसी कौन सी कमियां थी जो इसको लाना पड़ा और अगर यह आया भी तो क्या उन पुरानी कमियों को ठीक भी कर पाया या नहीं कर पाया तो पुराने सिस्टम के अंदर पुराने सिस्टम मतलब क्या बताइए वट डू मीन बाई पुराना सिस्टम देखिए कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसे जैसे काम करता है कर्म करता है उसको वैसे वैसी सजा दी जाती है आपको पता है 28 तरह के ट्वेंटी एट टाइप्स के नरक होते हैं बताएंगे कभी बात करेंगे आप चिंता मत कीजिए पहली क्लास है ना आज बताएंगे आपको कि क्या करने से क्या मिलता है तो <laughs> तो यहां पर आकर अगर किसी व्यक्ति ने मैन्युफैक्चरिंग करने का पाप किया है तो उसे नरक भोगना पड़ता है सेंट्रल बोलो रे एक्साइज ड्यूटी का यह पैसा किसको जाता था वेरी गुड यू आर जीनियस ये अगर आपने सेल ऑफ गुड्स करी हुई है तो क्या लगता था साबास और वो भी इंट्रा स्टेट क्या रे इंट्रा समझते हो ना विद इन द स्टेट वेरी गुड ये किसको जाता था अब जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका जवाब आएगा गलत आई नो वेरी गुड अनुभव सेल ऑफ गुड्स जो हम कह रहे हैं अगर ये इंटर स्टेट है तो क्या लगेगा अरे पुराने में बात कर रहे हैं यार पुराने सिस्टम में है क्या क्या सीएसटी नाम सुना कभी सेंट्रल सेल्स टैक्स सी एस टी वेरी गुड जीनियस पर ये मेरा क्वेश्चन नहीं था मेरा क्वेश्चन यहां पे कि पैसा किसको जाएगा जो कहते देखो पार्टिसिपेट सबने करना है कभी कभी आप ऐसे होते हो यार हाँ थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सको करो थोड़ा सा भी पता तो बोलो जी किसको जाएगा पैसा इसका जो कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट हैंड्स ओके जो बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट को अच्छा कुछ कह रहे यार किसी को दे दो की फर्क है यार ऐसे नहीं हो ये जो लोटा टाइप व्यक्ति होता ये नहीं यार बोलो तो यस या नो, नो। दोनों को जाएगा नहीं मेरे मुन्ना पुराने टाइम में एक्सक्लूसिविटी थी एक को जाएगा अब शेयर्ड कल्चर आ गया है पहले नहीं था <laughs> एक्सक्लुसिव था एक दूजे मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लिए ऐसे करके तो किसको जाएगा मैं समझ गया मेरा बच्चा ऑनलाइन वाला भी कह रहा है दोनों को जाएगा ऐसे की तैसे दोनों को जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की कह रहे हैं वो भी क्योंकि आप नाम से नाम से चले गए आप नाम क्या था सेंट्रल सेल्स टैक्स पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं अभी कुछ देर पहले बताया था आप गलत जवाब देंगे यह जाता है पैसा स्टेट गवर्नमेंट अब यहां से एक सुनो बच्चा लड्डू सुन एक और कलेश पैदा हो गया कुछ छोटी मोटी बातों के लिए ना मैं रफ पेज यूज कर लूं आप लिखना चाहोगे या नहीं अगर लिखना चाहो रजिस्टर में लिख लेना रजिस्टर में ऐसी चीजें लिखवाऊंगा मैं आपको जिनकी आगे चल के शायद जरूरत नहीं पड़ेगी पर फिर भी बेस बिल्डिंग के लिए लिख लो तो ठीक रहेगा ठीक लिखेगी जी तो यहां पर हम लिखवा रहे हैं आपको कंसेप्ट ऑफ सी एस टी रजिस्टर रखना एक छोटा सा कभी कभार जरूरत पड़ेगी शुरू की कुछ क्लास में जरूरत पड़ेगी हमें उसके बाद नहीं पड़ेगी ठीक है क्योंकि सब कुछ किताब में लिखा हुआ है साहब ये था अपना महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र और ये है गुजरात केम छो ठीक ये आ गई महाराष्ट्र सब पार्टिसिपेट करने को तैयार है ना ठीक है यार मुझे आराम देना गुजरात गवर्नमेंट यहां से यहां के लिए कुछ गुड्स बेच दिया जाता है जिसकी वैल्यू आ रही थी हंड्रेड रुपीज की आपने मुझे बताया इस पे लगा दो सीएसटी थोड़ा रेट अपनी सुविधा के लिए टेन परसेंट पकड़ लेते हैं ये आ गया एक सौ दस रुपया जी साहब आपने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा पर मैं एक बात बता दू आपको यहां पर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया छोटी मोटी शॉर्ट फॉर्म चलेंगी नहीं तो बताइए पूरा लिख दूंगा मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेवेन्यू या ऐसे लिखेंगे टैक्स ऑन सेल ऑफ गुड्स चाहे इंट्रा हो या इंटर हो ऑलवेज गोस टू स्टेट गवर्नमेंट मजेदार चीज है मजा सा आ जाएगा और सुनो मैं आपको कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं करूंगा जिसका कि आपके स्टडी से कनेक्शन ना हो हाँ ऐसा हो सकता कि बता आज रहा हूं और दो दिन बाद इसकी जरूरत मुझे पड़ जाए ठीक है एक बात अपने मूवी देखिए कराटे किड्स वो जाता है कराटे सीखने के लिए लेकिन उसका मास्टर बोलता है चल गाड़ी साफ कर कभी एक हाथ से कराता है कभी दूसरे हाथ से कराता है वो मास्टर बेवकूफ बना रहा है यार मैं कराटे सीखने आया हूं लेकिन गाड़ियां साफ करवा रहा है बाद में रियलाइज होता है कि वो ऐसे करके उसकी मसल्स को इस लायक बना रहा था कि वो कराटे ठीक से सीख सके तो कभी कभी आपको लग सकता है कि आपका टीचर आपके मतलब की बात नहीं कर रहा है मेरी क्लास में किसी में भी लेकिन ऐसा कभी नहीं होता संविधान ने कहा कि जब जब सेल ऑफ गुड्स होगा इंटर या इंटर टैक्स जाएगा स्टेट को उसके हिस्से में दे दिया इसको जाएगा करेक्ट है जी अब सवाल एक और उठता है कौन सी गवर्नमेंट को जाए गुजरात या महाराष्ट्र भैया स्टेट है ये एक को जाएगा पुराने समय की बात है एक्सक्लूसिव चलता था सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं होती थी दो स्टेट में नहीं बट सकता एक मिलेगा, किसको दें यहां पर कंज्यूम हुआ है वेरी गुड एकदम सही बात डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और ऐसे करते हुए इसको जाएगा जी अच्छा देखे कौन आएगा ये सप्लायर है हा बोलो ये हो गया सप्लायर ये हो गया ओके। okay. अच्छा ये सप्लायर का रजिस्ट्रेशन होगा टैक्स डिपार्टमेंट के साथ है ना कहा पर होगा महाराष्ट्र में गुजरात में ये व्यक्ति रजिस्टर्ड विद टैक्स डिपार्टमेंट इसका रजिस्ट्रेशन था वहां पर इन महाराष्ट्र गुजरात में तो नहीं था ना हम्म ठीक ठीक तो जब ये व्यक्ति यहां से पहुंचेगा पैसा लेकर गुजरात के पास तो गुजरात सरकार पूछेगी कि तू कौन क्या मैं खामोखा खा कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं मतलब मैं कौन क्या गुजरात की गवर्नमेंट इसको जानती है क्या इसकी आइडेंटिटी है पर तू कौन है मैं कि मैं साहब वो महाराष्ट्र में वो नीली शर्ट पहनता काली पेंट पहनता वहां मेरी तो यहां से जब तक गुजरात सरकार के साथ इसकी आइडेंटिटी मेंटेन नहीं होगी वहां पैसे जमा नहीं कर सकता राइट तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसको गुजरात में भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हाँ या ना कि उसके बिना पैसे जमा ये नहीं कर सकता अच्छा हम्म आपने कहा चलो भैया यहां भी रजिस्ट्रेशन ले ही लो अच्छा कल को इसने अपना गुड्स पंजाब में बेचा अब टैक्स हो जाएगा मैं आपको हर अंधेरी गली में लेकर जाऊंगा और जब आप टकरा जाएंगे ना बेटा अगर रास्ता ही नहीं है वापस लौटो लौटा के भी लाऊंगा अगर ऐसा मैंने नहीं किया ना तो आप हमेशा अंधेरी गलियों में भागते रहोगे यहां जाऊं यहां जाऊं दिखा लाऊं पहले आपको वो कैसी ये बदनाम दुनिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि गलत चीजें हैं वापस लौट के आना है हमने ठीक है अब कहां पंजाब चले चलो भैया पंजाब के लिए हमने सप्लाई कर दी है अब पंजाब सरकार को इसको टैक्स भरना है तो पंजाब में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाइए फिर इसने माल कहां भेज दिया अपना वेस्ट बंगाल अब क्या करना है वहां रजिस्ट्रेशन कराइए फिर बिहार फिर यूपी दिल्ली हरियाणा कुछ गलत हो रहा है इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ये पॉसिबल नहीं है मैं चाहकर भी मैं चाहकर भी ये नहीं कर सकता डेस्टिनेशन प्रिंसिपल कैन नॉट बी फॉलोड चाहता तो हूं ये होना चाहिए पर हो नहीं पा रहा है क्या करें इज़ द दोल्यूशन है जी कॉमन सेंट्रल लेवल पे आइडेंटिटी नहीं भाई सेंट्रल के साथ आइडेंटिटी बनाओ तो स्टेट में कैसा जाएगी वो आप ये कह रहे हो कि हाँ ऐसा कहो तो समझ में आता है कि जितने भी स्टेट हैं सबका क्लस्टर हो मत बोलो उसको वो अलग है उनका क्लस्टर हो इकट्ठे हो वहां जाके रजिस्ट्रेशन लो वहां सबके आइडेंटिटी लॉकर कुछ ऐसा लेकिन ये आज की बातें हैं सीएसटी कब का है वो तब की बातें ये सोच भी नहीं सकते थे आपके कुछ ऐसा सेंट्रलाइज कर लीजिए तब की बातें है वो मरता क्या न करता क्या दिख रहा है आपको ऑप्शन टैक्स किसको जाएगा बोलिए खुलकर बोलिए यू हैव नो अदर चॉइस चाहते तो थे डेस्टिनेशन को दे दें पर मजबूरी में आप वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे थे इसलिए यहां पर यह फैसला लिया गया कि हम ये पैसा अपने महाराष्ट्र सरकार को ही दे देंगे और इन्होंने अपने यहां पर टैक्सेशन का ओरिजिन प्रिंसिपल अप्लाई करवा दिया। ओरिजिन प्रिंसिपल अप्लाई करा दिया अब इस ओरिजिन प्रिंसिपल से क्या क्या समस्याएं पैदा हुई वो देखो जरा जब यहां से यहां के लिए गुड्स जा रहा है तो मुझे बताइए क्या दस रुपए का क्रेडिट मिल पाएगा गुजरात वाले को यस और नो सुनिए मान लीजिए इसने आगे सेल कर दी अपने ठीक है इस बंदे का आउटपुट सीएसटी बना मान लीजिए सत्रह रुपए का पॉसिबल है सेवनटीन रुपीज का तो क्या इसको यहां से आ, इस क्रेडिट का सेटअप मिल पाएगा या नहीं वाई नॉट क्योंकि ये जो पैसा है भाई साहब आप ये चला गया उनके फंड में तुम हमसे क्रेडिट क्यों मांग रहे हो हम क्यों एडजस्ट कर ले उस चीज को हमारे पास पैसा आ, हाँ अगर डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगा हुआ होता तो शायद बात बन सकती थी पर वो यहां नहीं है हमारे पास तो कुछ आया ही नहीं तो जब इसका यहां पर क्रेडिट नहीं मिलता था तो ये पूरे के पूरे सत्रह रुपए आपको पे करने पड़ते थे क्या ऐसे में मैं ये बोल दूं कि यहां टैक्स ऑन टैक्स लग गया या सर नो क्योंकि देखिए ना कैसे इनकी कॉस्ट क्या थी एक सौ दस रुपए की इन्होंने अपना प्रॉफिट ऐड किया होगा यहां लाके मान लो नब्बे रुपए का तो अब जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो इस दो सौ पे आएगा ना और इस दो के अंदर वो दस रुपए का भी पैसा शामिल है तो टैक्स के ऊपर टैक्स अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको <laughs> कैश कैडिंग क्या बोलते हैं कैश कटिंग जो भी है इसे कैश बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स तो पहली प्रॉब्लम इन ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम कैसकेडिंग टैक्स ऑन टैक्स होता था इससे नुकसान किसका होता था सरकार का या आम जनता का और मजे की बात बेचारे को पता तक नहीं है थप्पड़ पे थप्पड़ पड़, पड़ गया खास कैडिंग लेकिन बिचारे को पता तक नहीं चला कि क्या हो गया है तो पहली समस्या ये थी दूसरा अगर सर यही करना था तो एक और प्रॉब्लम आ रही है वो ये कि फिर इसका नाम ऐसा क्यों है सेंट्रल सेल्स टैक्स स्टेट को पैसा जा रहा है स्टेट लगा रहा है स्टेट ही कलेक्ट कर रहा है फिर नाम क्यों दिया गया सेंट्रल सेल्स टैक्स रीजन मैं बताऊं आप कुछ बता सकता है कोई पचास रुपए पेटीएम कि जब पैसा जा रहा है सीएसटी का स्टेट को तो एक्ट का नाम सेंट्रल सिक्स टैक्स सेंट्रल वर्ड क्यों आया इसमें कोशिश करो यार पचास रुपए में ताकत है देखो यार हारने लगी वाजे हां साहब बोलो अपने अपने स्टेट को दे रहा है अच्छा तो देखिए अगर ये जो लॉ है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाकर दिया है और आज ये सीएसटी जो है अपना ये कॉमन है हां बोलो हां मतलब ये यूपी में भी लगता था यही पंजाब में लगता था हरियाणा में लगता था सबके लिए एक जैसा कंटेंट था एक्ट का लेकिन अगर ये सेंट्रल लेवल पर ना होता तो क्या होता यूपी का अपना एक्ट होता हाँ बोलो महाराष्ट्र का अपना एक्ट होता हाँ बोलो पंजाब का अपना एक्ट सबके अलग-अलग होते यानी कि सप्लायर पर नियम कानून अलग अलग रहे हैं और रेसिपिएंट के नियम कानून अलग हैं जब बेचने वाले की सोच और खरीदने वाले की सोच अलग अलग हो तो बताइए डिस्प्यूट्स पैदा हो जाएंगे कि नहीं होंगे तो हमें इस स्टेट के बीच में काम करने के लिए यह जरूरी था कि बायर और सेलर की अंडरस्टैंडिंग एक जैसी हो इसके लिए वी नीड अ यूनिफॉर्म लॉ और यूनिफॉर्म लॉ बनाने की पावर किसके पास में थी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में कि सभी के लिए एक जैसा लॉ होना चाहिए तो टू मेंटेन टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी एमंग स्टेट टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनका जो लॉ है वो यहां पर फ्रेम करके इनको दे दिया था ये सी की थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई है आपको अब यहां से मैंने एक बेस रख दिया आपका किस तरह एक बात बताइए पुराने सिस्टम में तो ये था ओरिजिन प्रिंसिपल एक कांटा था राइट right? जीएसटी में इसका क्या सोल्यूशन दिया गया है जीएसटी में इस सिचुएशन का सोल्यूशन क्या है रे क्योंकि अगर जीएसटी में भी यही हुआ जीएसटी में भी यही हुआ तो फिर लायकाय को फिर तो वही ठीक था कैसे करूं बस इतना करा दो कि ये जो पैसा था ना यहां तक पहुंचवा दो अगर यहां तक पहुंच गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप क्रेडिट्स भी मिलने शुरू हो जाएंगे कास्ट कटिंग अपने आप खत्म हो जाएगा सब चीज फ्लो में आ जाएगी समझ में आ रहा कि डेस्टिनेशन प्रिंसिपल क्यों ज्यादा अच्छा है क्या करें बताइए वैसे आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है कौन सा जीएसटी लगता है इस पर आई जीएसटी जोरदार टालिया इनके लिए पर एक बात बताऊं आई जीएसटी टैक्स ही नहीं है आई जीएसटी इज नॉट ए टैक्स जीएसटी के सिर्फ दो नाम हैं सी जीएसटी और एक सेंट्रल लेवल का एक स्टेट का एक तीसरा कौन आ गया बे अभी तो बात कर रहे थे आधा सेंटर को आधा स्टेट को ये तीसरा कहां से आ गया ये कौन आई जीएसटी मैं नहीं जानता आई जीएसटी इज नथिंग हो गया क्या एक कागज है ये रहा एक कागज है अब ये ट्रांजैक्शन हुई इसे मैं एटीन कर दूं चलेगा एटीन कर दिया हम्म यही ट्रांजैक्शन जब जीएसटी के अंदर होगी तो ये रहा मैं तो सी जीएसटी एस जीएसटी जानता हूं अठारह रुपए है तो नौ रुपए का सी जीएसटी मेरा मुन्ना यहां आ जा यहां रख दिया और ये क्या है एस जीएसटी नॉर पे यहां रख दिया और इन दोनों को बांध दिया इन दोनों को मैंने क्या कर दिया बांध दिया इन दोनों को मैंने इंटीग्रेट कर दिया यहां पर आकर और इसके ऊपर मैंने नाम लिख दिया बंधा हुआ जीएसटी क्या लिख दिया यह है बंधा हुआ जीएसटी इंटीग्रेट किया हुआ जीएसटी क्या इंटीग्रेट किया हुआ जीएसटी आई जीएसटी लिख दिया इसके ऊपर कवर के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा कि जिसका हक है उसको मिलना चाहिए अब ये पैकेट बन गया इस पैकेट को किसको दे दूं मैं मैं सप्लायर के हैसियत से गुजरात तो नहीं जा सकता लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को तो मैं जानता हूं ना है ना तो क्या ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ उछाल दू? उछाल दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी इसका इसको ये हटाएगी चिट्ठी को खोलेगी ये क्या लिखा था पे ऊपर आईजीएसटी ना ये इस लिफाफे को हटाया और ये मेरा मुन्ना मेरा लड्डू आगे क्या है टैक्स तो ये रहा ये क्या लिफाफा इनवेलप क्या था ये सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी जेब में रख लिया और जो एस वाला पोर्शन था गुजरात का किसको देंगे बेबी कैच उसको पकड़ा दिया समझना की बात समझना की आईजीएसटी क्या था उठाओ <laughs> कहां था आई जीएसटी एनवेल आई जीएसटी इज नॉट ए टैक्स क्या है सिर्फ सीजीएसटी और लेकिन सिस्टम ऐसे बनाना पड़ गया मजबूरी में आईजीएसटी जीएसटी मजबूरी है मैं ठीक बोला मैं बांध कर वहां छोड़ना पड़ेगा अब कहा किसी भी स्टेट को बेचू मैं मैं महाराष्ट्र से गुजरात पंजाब हरियाणा इंटर स्टेट जब भी काम करूंगा आईजीएसटी लगेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट आधा अपने सीजीएसटी फंड में डाल देगी और बाकी आधा डेस्टिनेशन स्टेट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा वेरी गुड तो ये इस प्रकार से सीएसटी था और जीएसटी के अंदर किस प्रकार से इसका सोल्यूशन यहां पर दे दिया गया तो बात चल रही थी आपकी यहां पर आकर कि कास्ट कटिंग इफेक्ट पहले हुआ करता था लेकिन अब ये कास्ट कटिंग इफेक्ट नहीं होता है नहीं होता है। सर ये क्या लिखा है 99% खत्म कर दिया गया 99% मतलब अब एक बात बताओ क्या डेटॉल पूरे कीटाणु मार पाता है फर्श पे एक दो कीड़ा छोड़ देता है लाइबॉय भी नहीं मार पाता ये कैसे मार देगा यार इक्का दुक्का कोई रह गया है वायरस वो प्रूफ करूंगा आगे चलकर कि देखो अभी भी कुछ ना कुछ रह गया है थोड़ा सा ना कास्केडिंग मल्टीपल टैक्सेस पहले बहुत सारे टैक्स हुआ करते थे कि आपने मैन्युफैक्चरिंग की सेंटलेक्स, अच्छा एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले स्टेटमेंट बोलना चाह रहा हूं मैं मैंने पॉज किया अपनी बात को वहीं पे पहले अच्छा जीएसटी लाने से कौन से स्टेट को ज्यादा प्रॉब्लम होगी मुंबई मतलब महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटका ये वाले मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को प्रॉब्लम ज्यादा रही होगी या दिल्ली जैसे स्टेट को कुछ समझ में आ रहा है आ। पहले तमिलनाडु महाराष्ट्र में गुड्स बनता था दिल्ली जाता था पैसा किसको मिलता था रे? मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को अब किसको मिलेगा तो पहले किसी स्टेट की प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करती थी कि वहां कमाने वाले कितने हैं और जीएसटी के अंदर इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां खाने इसलिए सबसे ज्यादा जो अपोजिशन में खड़े हुए थे वो थे आपके ओरिजिन स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स की नहीं भाई साहब ये हमारे लिए नुकसानदायक है एक और बात निकली इसमें से। जब ये स्टेट बोले कि नहीं हमारा सीएसटी का प्योर लॉस होगा हम जीएसटी को लाने नहीं देंगे अब जेटली साहब ने कहा कि नहीं यार नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, 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 प्लीज आप कुछ तो करो ऐसे नहीं करें नहीं साहब सिस्टम ही गलत है अगर फाइनेंस मिनिस्टर उस समय ये बोले कि ठीक है ओरिजिन को ही जाएगा पैसा तो जीएसटी लाया ही क्यों बात वहीं क्यों ही रह गई और अगर दिल्ली को दे रहे हैं पैसा डेस्टिनेशन प्रिंसिपल लगा के तो फिर टर्म कर रहे हैं ये नहीं आ रहे तो सोल्यूशन निकाला सोल्यूशन ही निकाला चिंता ना करो घबराओ नहीं आप तुम्हें ये डर लग रहा है कि तुम्हारा एनुअल रेवेन्यू गिर जाएगा यही है ना बोलो हम तुम्हें गारंटी देते हैं कि जितना रेवेन्यू तुम्हारा अब तक पीछे रहा है उस लेवल को मेंटेन रखेंगे मिनिमम गारंटी दे दी ऐसे स्टेट को जो टेंट्रम कर रहे थे कि तुम जितना कमा रहे थे पुराने सिस्टम में उस कम से कम उतना कमाओगे या उससे ज्यादा कमाओगे कम कमाया तो अब तमिलनाडु कहता महाराष्ट्र कहता मेरा तो पंद्रह हजार करोड़ का है मान लीजिए जीएसटी आने पर अगर वो बीस हजार करोड़ हो गया तो ठीक है बल्ले बल्ले तेरा पैसा लेकिन अगर पंद्रह हजार करोड़ में से वो बारह हजार करोड़ रह गया तो क्योंकि सीएसटी का पैसा हमें मिलने वाला अब समझ रहे हैं बात को आप क्या करें तो गारंटी दी कि ठीक है अगर कुछ कमी हुई तो उसे हम कॉम्पनसेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट विल कॉम्पनसेट दैट पर्टिकुलर स्टेट जो कि यहां नए सिस्टम के अंदर कम कमाएगा अब जेटली साहब ने यह बात तो बोल दी कॉम्पनसेट करेंगे लेकिन पैसा कहां से आएगा फंड कहां से आएगा तो फिर वही बात कि तेल तो तिलों में से ही निकलेगा सरकार इसके लिए एक नया सेस लेकर आ गई उस सेस का नाम है कॉम्पनसेशन सेस क्या नाम है रे जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ये पूरा नाम है और कुछ एक अमीर लोगों के ऊपर लगा दिया या नशेड़ियों के ऊपर लगा दिया जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट पे लगा दिया कारों पे लगा दिया रिच लोग उन पे लगा दिया कि जहां से पैसा आराम से आ सकता है उन पे लगा दिया क्योंकि कार अगर दस लाख की है और दस लाख पच्चीस हजार की हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन जिसकी कैपेसिटी साइकिल खरीदने की हो उसकी साइकिल एक हजार से बारह सौ रुपए की हो जाए तो फर्क पड़ता है राइट right? तो ऐसे लोगों पे लगा दे जहां से पैसा आराम से आ सकता था कि कॉम्पनसेशन के नाम से पैसा इकट्ठा करेंगे फंड बन गया और जोन से स्टेट को समस्या आ रही होगी उस स्टेट को कॉम्पनसेट कर दिया जाएगा जय जय श्री राधे तो जब स्टेट को इस बात की गारंटी मिल गई कि भाई साहब जो था लेवल वो तो रहेगा रहेगा तो स्टेट हां बोलेगा जीएसटी लाने के लिए और वहां से स्टेट ने इनको हां बोलती है होप बात समझ में आ गई होगी तो अब मैं वापस लौट के आता हूं अपनी बात पे। तो यहां ये चल रहा था मल्टीपल टैक्सेस थे अभी मैंने बात की कि छींक मारोगे तो अलग टैक्स है <laughs> जैसे भी अलग काम करोगे सब पे अलग अलग टैक्स लगाया जा रहा है अलग अलग टैक्स थे एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग कर दी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का थप्पड़ मार दिया गुड्स बेच दिया तो वैट लगा दिया इंटर स्टेट बेचा तो सीएसटी लगा दिया है फिल्म देखने चले गए तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए तो एंट्री टैक्स लगा दिया पता नहीं बीस तरह के टैक्सेस पुराने समय में हुआ करते थे सबके अंदर अलग अलग रजिस्ट्रेशन थे सबके अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ते थे सबके अलग अलग पूरे करने पड़ते थे सबके अलग अलग नोटिस आया करते थे मतलब कोई बाल नोच रहा है कोई शर्ट फाड़ रहा है कोई पैंट उतारा यह हालत कर रखी थी पुराने टैक्सेस के सिस्टम में तो व्यक्ति अपने बाल नोच रहा था सरकार टैक्स ले लो ना जान क्यों लेते हो मेरी तुम ये क्या बार 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 वो कह रहे पुरानी कहावत है सौ सुनार की ना एक लोहार की यार जो भी लेना इकट्ठा ले लो ना नाटक क्यों तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसी की तैसी अनलोम विलोम कर लो सारे टैक्सेस को अंदर खींचिए और धीरे धीरे बाहर छोड़िए जीएसटी बाहर आ रहा है धीरे धीरे और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की एक जुलाई 2017 को जीएसटी आपका हिंदुस्तान में आ गया 30 जून और 1 जुलाई की जो रात थी रात को संसद में बारह बजे घंटा बजा था पता है देखा था आपने कितने देखा था बहुत छोटे थे उस समय तो मतलब इधर जी से तुम्हें ठीक है उस समय घंटा बजा के उसका वेलकम किया गया था टू के अंदर हम उससे गवाह थे वैसे करके तो अलग अलग टैक्सेस होने की वजह से यह चक्कर पड़ा हुआ था अब इन सबको कंसोलिडेट कर दिया गया और एक टैक्स बना दिया गया मतलब ऐसे मानो जैसे कोई पुराना शहर पुरानी गलियां हैं मैं दांत निकाल रहा हूं <laughs> पुराने गलियां हैं छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं उन सबको तोड़कर एक शानदार सी एक ग्रुप हाउसिंग बनाई जाए और वहां पर तरीके से सारी चीजें रखवा जाए आज के हिसाब से तो मल्टीपल प्रोसीजर हुआ करते थे अलग अलग रजिस्ट्रेशन बुक्स ऑफ अकाउंट सबको एक कर दिया गया ऑब्वियसली बात जब एक, एक एक्ट होगा तो सारी चीजें इकट्ठी वहां पर कंसोलिडेट हो जाती हैं मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट ये टैक्सेबल इवेंट समझते हो बच्चा टैक्सेबल इवेंट टैक्सेबल इवेंट का मतलब है वो घटना वो इवेंट जिसकी वजह से टैक्स लगता है पुराने समय में सेंट्रल एक्साइज लगने के लिए मैन्युफैक्चरिंग वो घटना थी वो एक्टिविटी थी जिस वजह से लगता था वैट के लिए क्या था सेल सीएसटी के लिए क्या था इंटरस्टेट सेल ऐसे ही जीएसटी के लिए क्या है सप्लाई पुराने जब टैक्स खत्म हो गए तो ऑब्वियस सी बात है पुराने जितने भी टैक्सेबल इवेंट थी वो सारे के सारे खत्म हो गई और सबके नाम पर एक वर्ड दिया गया सप्लाई सप्लाई और सप्लाई सप्लाई होगी तो जीएसटी लगेगा वर्णन नहीं लगेगा पुराने सिस्टम के अंदर जो पर्सन थे जो टैक्स पेयर थे जो बिजनेसमैन थे उनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता था मैन्युफैक्चरर ट्रेडर और क्या सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस में डील कर रहे हैं लेकिन अब नहीं अब सबको एक नाम दिया गया सप्लायर सप्लायर और सप्लायर आराऊ भाई साहब ये आरा भाई साहब क्या मैं आपको बता दूं बार बार मेरे मुंह से निकलेगा ये आपने देखा होगा पता नहीं देखा कि नहीं देखा पहले हमारे टाइम में क्या हुआ करता जब हम छोटे थे तो बस में आते थे सामान बेचने के लिए तो वो प्रचार करते थे ऐसे ऐसे करके कि कंपनी का फायदा है आप लोगों का मतलब ऐसे करके और तो बोलता था आरा भाई साहब देखा आपने देखा कभी ये बस में या कभी ट्रेन में बेचते आते आरा भाई साहब इसका मतलब ये है कि वो बंदा ये दिखार बुला को नहीं रहा था उसे बुलाता कोई नहीं है अगले वालों को ये बताना चाह रहा है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड पीछे से आ रही है लिमिटेड स्टॉक है खत्म हो जाएगा इससे पहले कि वहां जाऊं आप मुझसे खरीद लीजिए तो वो दिमाग पता नहीं क्यों दिमाग में बैठ गई है तो बार बार निकलती है मुझसे तो वैसे अदरवाइज मत लीजिएगा उसे तो पर्सन को बुलाया जाएगा सप्लायर मैं कौन हूं मैं कौन हूं सप्लायर तुम कौन हो रेसिपियंट क्या सेलर बायर मत बोलना क्या बोलेंगे सप्लायर और रेसिपिएंट सप्लायर को टैक्सेबल पर्सन भी बुला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है कास्ट कटिंग था डबल टैक्सेशन भी हुआ करता था क्या था अब डबल टैक्स क्या होता है साहब एक व्यक्ति एक पर्सन या तो मेल होगा या फीमेल होगा एक साथ दोनों हो सकता है क्या हो सकता है क्या नहीं नहीं वो जो थर्ड जेंडर होता है वो भी ऐसे नहीं होता तो कि मिक्स नहीं कर सकते नहीं उनमें भी अपना एक लाइक करेक्टर मतलब कॉम्पोनेंट जो होता है तो मेल का कॉम्पोन्ट ज्यादा होता है या फीमेल का होता है तो एक नहीं कर सकते व्यक्ति एक समय में या तो मेल होगा या फीमेल ऐसे ही कोई भी चीज एक टाइम पर या तो गुड्स होगी या सर्विस होगी एक ही टाइम पर एक ही चीज दोनों नहीं हो सकती रे। होता क्या था रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए क्या रे? खाने गए वहां पर क्या क्या ऑर्डर किया बटर नान पनीर लवाबदार सॉल्टन पेपर और और क्या दाल फ्राई और हाँ पास्ता ठीक वैल्यू बिल आया वन थाउजेंड रुपीज का ठीक है अब मुझे बता पुराने समय में ये रेस्टोरेंट में खाना खाया <laughs> तो बताइए इसपे सर्विस मानकर सर्विस टैक्स लगाएं या गुड्स मानकर वैट लगाएं अगर ये गुड्स है तो स्टेट को वैट जाएगा अगर ये सर्विस है तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को सर्विस टैक्स जाएगा क्या माने हैं? दोनों मतलब आप किसी व्यक्ति को बोलोगे मेल भी है फीमेल भी यही है एक समय में एक तो यहां पर स्टेट कहता था ऐसी कि तैसी ये गुड्स है स्टेट का कहना था गुड्स है और मैं इसके ऊपर वेट लगाऊंगा मान लो इतने से ये लगा दिया यहां पर आकर सौ रुपए का लगा दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी ऐसे की तैसी ये सर्विस है भाई साहब सब अपने अपने हिसाब से देख रहे हैं कह खेरा गुड्स का है सर्विस तो। है ये ये तो सर्विस है और हम इसके ऊपर सर्विस टैक्स भी लगाकर चलेंगे और इस तरह से उन्होंने फोर परसेंट सर्विस टैक्स लगा दिया चालीस रुपए ये बन गया इलेवन फोर जीरो लोग खाना खा के आ गए उन्हें पता ही नहीं चला बेचारों को कि थप्पड़ पे थप्पड़ पड़, पड़ गया है देख रहे हैं मतलब इस एक ही चीज को मेल मानकर भी टैक्स लगा दिया और उसे फीमेल मानकर भी टैक्स लगा दिया है यह था सुप्रीम कोर्ट की बीस केस स्टडी वो भी कुछ जज नहीं कर पाई कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था आप क्लस्टर बनाने की बात कर रहे थे इस छोटी छोटी बातों का रेजोल्यूशन नहीं था गवर्नमेंट के पास में इन बातों का तो डबल डबल टैक्स पड़ रहा था इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हमारा जीएसटी आया है आज बताइए आज अगर आज मैं इसको खाना खाने को अगर गुड्स बोल दूं तो फायदा किसका स्टेट का या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो एनालिटिकल पावर है ना आपकी इसे निकालो ये जो पूछा हूं एग्जाम में नहीं आएगा मुझे पता है पर तुम्हारे मेंटल स्टेट को ये मजबूत बनाएगी ताकि आप अपने आप से कुछ कर सको यार जितना मैंने बोला उतना ही सीख पाए तो ऐसे कि कितनी सीख पाए तुम तो? डेवलप हुई है ना कि यहां ये क्लास करने के बाद आप आपका माइंड कुछ और सीख सके ये तो रिटर्न वेल्थ तो होता होगा जितना मैंने बोला उतना तो सीख लिया ये कुछ नहीं है नथिंग लाइक दैट मैं ये कराने नहीं आया दिल्ली से यहां मैं आपको डेवलप करने है। आप सीखो तो गुड्स अगर मैं स्टेट हूं तो मैं क्या चाहूंगा जीएसटी में इसे क्या बोला जाए गुड्स या सर्विस क्वेश्चन समझ में आए पहले पहले मैं सौ रुपए का ये लेता था और ये उनको जाया करता था आज स्टेट को क्या मानने में फायदा है गुड्स माने या सर्विस माने है जी अगर गुड्स मानकर जीएसटी लगाया तो क्या होगा आधा सेंट्रल को आधा सर्विस मान के लगाया तो आधा सेंट कुछ भी मान लो कलेश खत्म हो गया पहले पहले एक्सक्लूसिव टैक्सेस थे इसलिए कलेश पड़ता था अब शेयर्ड सिस्टम है आधा आधा कद्दू कटेगा दो नंबर बटेगा बात खत्म मिल बांट कर खाएंगे तेरा मेरा है और मेरा तेरा. ये तो हुआ था मिक्सअप किया गया था और आधा आधा उसको बांट लिया गया था तो डबल टैक्सेशन की समस्या गवर्नमेंट ने इस प्रकार से यहां पर आकर रिजॉल्व कर दी पर फिर भी इन्होंने जीएसटी के अंदर सर्विस की ट्रीट किया गया है कि वहां खाना बेचा नहीं जा रहा खिलाया जा रहा है तो खाना खिलाने में और खाना बेचने में अंतर होता है वैसे मेरे हिसाब से ये सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए था क्यों क्योंकि हम वहां हमारा पर्पस क्या था वहां पर वेटर की सर्विस लेना या खाना खाना <laughs> यही था ना <laughs> खैर छोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे बट फिर भी फिर भी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे सब एक नजर से एक चीज को देख के चले लॉ लॉमेकर ने क्लैरिफाई कर दिया कि इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस है तो ये हो गया लेवल लास्ट पॉइंट जिसमें लेवल कैसे थे पुराने समय में तीन लेवल पकड़े जाते थे इंटरेस्टेड इंटरस्टेट और इंटरनेशनल अब सिर्फ दो ही लेवल रह गए हैं इंट्रा और इंटरस्टेट क्यों वो इसलिए कि इंटरस्टेट जब बोल रहे हैं तो इसमें दोनों बातें आ गई इंटरस्टेट भी और इंटरनेशनल भी यानी इंटरनेशनल को भी हम जीएसटी में क्या बुलाएंगे इंटर फिर से बोलूं इंटरनेशनल को भी जीएसटी में क्या बुलाएंगे इंटर ऐसा इसलिए किया गया कि दोनों का ट्रीटमेंट लगभग एक जैसा है तो बार बार ये लिखने पड़ेंगे इंटरनेशनल ये वो तो थोड़ा शब्दों में कम में ही काम हो जाए तो इंटरनेशनल को भी इंटरस्टेट के नाम से बुलाया जाएगा तो ये ये डिफरेंसेस थे तो मुझे बताइए हाँ, क्या डिफरेंस निकला पुराने में और नए में पुराने में मल्टीपल टैक्सेस थे नए वाले में एक पुराने में मल्टीपल प्रोसीजर थे नए वाले में एक पुराने में मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थी नए वाले में एक पहले कास्ट कटिंग होता था अब नहीं होता पहले डबल टैक्सेशन था अब नहीं होता और ये कुछ और छोटे मोटे बदलाव थे इस प्रकार से यहां पर चेंजेस देखने को सामने निकलकर आई मालिक मैंने ये जस्टिफाई कर पाया क्या कि जीएसटी आया तो सही आया हाँ ना कुछ रिलैक्स सा महसूस हो रहा है सही आया मतलब पहले तो ज्यादा कुछ खराब स्थिति बनी हुई थी कुछ भी चल रहा था अब ठीक है टैक्स पे टैक्स लग रहा था डबल टैक्स हो रहा था सीएसटी ओरिजिन प्रिंसिपल पे चल रहा था मतलब राम भरोसे गाड़ी चल रही थी अब सारी चीजों को अलाइनमेंट करके आपका जीएसटी आया अब आ भी गया है तो ये बता दो दिखता कैसा है शक्ल कैसी है इसकी वट इज जीएसटी यहां से अब असल जीएसटी आपका शुरू होता है पहले मैंने क्या बताया इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट फिर जीएसटी को जस्टिफाई कर दिया नाउ जीएसटी क्या और कैसा है उसकी बात करने के लिए जा रहे हैं समय तो हो गया लेकिन मन नहीं मान रहा है क्लास है आपकी? कभी अगर समय मिले तो लगातार चलने दोगे मुझे आप आ। पक्का आ। तो एक काम करते हैं आज छुट्टी तुम्हारी मतलब आगे क्लास है तुम्हारी कितने बजे से फिफ्टीन तो बस मैं आप ज्यादा समय लूंगा आपको दो मिनट और ले रहा हूं उसके बाद छुट्टी ठीक है समझ में आया ना वैसे आज ठीक समझ में आया पक्का चलो तो आज हमने जो किया है एक बार हल्का सा उसको क्विक रिकैप एंड देन आगे बढ़ेंगे फिर हम यूपी और दिल्ली में ज्यादा होता है ये क्या हो रहा है दिल्ली में <laughs> क्या करवा रहा था दिल्ली में भाई <laughs> तो मेरे ऑनलाइन बच्चा आज हमने क्या सीखा कि टैक्स ही क्यों लगाया जाता है हम परिवार चलाते हैं बड़े परिवार को चलाने के लिए बड़े हेड की आवश्यकता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और हमारी अर्निंग में से एक बाइट काटकर ले जाते हैं टैक्स बोलते हैं और वो पैसा डेवलपमेंट की बारिश बनकर हमारे पास आ जाता है जहां पर आपका जीएसटी खत्म हो जाता है वहां से आपका इनकम टैक्स शुरू हो जाता है वो अलग बात है कि खत्म पहले हो गया इनकम टैक्स आपका ठीक है ना तो सर ने आपको ये वाला हिस्सा पढ़ा दिया और मैं आपको ये वाला हिस्सा ऊपर वाला पढ़ा रहा हूं ठीक है जी लोअर पार्ट उन्होंने पढ़ाया अपर पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं टैक्सेशन का उसके बाद व्हाट इज टैक्स वही कंपलसरी एक्सटॉशन ऑफ मनी मेड अंडर एन एक्ट टू सपोर्ट द नेशन साथ साथ चलो मेरे टाइप ऑफ टैक्स में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या पहचान जिसके ऊपर लगा है बर्डन भी इनडायरेक्ट में लगता एक को है बर्डन कहीं और पड़ता है ग्रेट फिर बात आई डेस्टिनेशन प्रिंसिपल की कि टैक्सेस उस कंट्री या स्टेट को दिए जाएंगे जहां पर गुड्स या सर्विसेस कंज्यूम किए जाते हैं ठीक है जी उसके बाद क्रेडिट कॉन्सेप्ट शायद मुझे रिवाइज भी कराने की जरूरत नहीं दिस इज द बेनिफिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड उसके बाद फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आई छोटी मोटी बात है कि बर्डन शिफ्ट होता है डायरेक्ट पिंच नहीं करता है रिग्रेसिव नेचर का होता है ब्रॉडर टैक्स बेस है लाइक दैट एंड फिर वो डिफरेंस आई डायरेक्ट इंडायरेक्ट बीच में उन्हीं से निकल के आ जाएगा अपना ये सीएसटी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ओरिजिन बेस्ड था कास्टकडिंग इस चक्कर में आया करता था क्योंकि देखो जब तक ओरिजिन नहीं पढ़ाता ना आपको डेस्टिनेशन का इंपॉर्टेंस समझ नहीं आता है ना कि यार कितना काम का है प्रिंसिपल है ये इसके बिना जीएसटी में हम कदम भी नहीं रख सकते हैं एंड uh, उसके बाद आया कि uh, जीएसटी जब आ ही गया जस्टिफाई किया देखो पुराने में चार कमियां थी कभी भी क्वेश्चन आए कि पुराने की कमियां बताओ या नई की अच्छाइयां बताओ पुराने की कमियां मल्टीपल टैक्स मल्टीपल प्रोसीजर मल्टीपल टैक्सीबल इवेंट कास्ट कैडिंग डबल टैक्सेशन खत्म नए वाले के फायदे क्या हैं सिंगल टैक्स है सिंगल कंप्लायंस है सिंगल टैक्सेबल इवेंट है नो कास्ट कैडिंग नो डबल टैक्सेशन इज इट ओके चलो उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपसे कल और सुनिए शार्प 45 मैं शुरू कर दूंगा मैं 730 थर्टी यहां पर आ जाता हूं क्यों हमने लास्ट बैच एग्जैक्ट 30 लेक्चर में कंप्लीट किया था विद जीरो कैंसिलेशन जीरो कैंसिलेशन हमारी कोई क्लास कैंसिल नहीं हुई थी और भगवान बड़ी बात ना बुलाए हम कोशिश करेंगे Okay, बड़ी बात कभी मुझसे बोलनी नहीं चाहिए हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी क्लास भी कोई कैंसिल ना हो डॉट थर्टी क्लास में आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो उसके लिए जरूरी यह है कि आप पंक्चुअल रहिएगा और जो ऑनलाइन बैठे हैं और फेस टू फेस आ सकते हैं वो जरूर जरूर आइएगा क्योंकि फेस टू फेस का मजा थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि खासतौर पर डेमोस्ट्रेशन जो हमारे होते हैं तो ये अलग चीज होती है सुनो मेरी बात तो कल हम कल का करिकुलम कि जो इंट्रा और इंटर है इसका पूरा सीन देखेंगे अब पूरी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से ये वर्कआउट होता है सुनो मेरी बात अभी रुको जरा रुको एक मिनट रुको ये देखेंगे एंड <coughs> सबसे बड़ी बात कल हम जो देखने वाले हैं मैंने एंटायर जीएसटी को नाइन पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ ये नाइन बॉक्स देख रहे हैं नाइन बॉक्स है ये नंबर पड़े हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ऐसे ऐसे करके यूं घूम रहा है ये ये आपका पूरा सिलेबस है सिलेबस यस yes, पूरा सिलेबस मैं दो लेक्चर लगाऊंगा इस माइंड मैपिंग को लेकर दो लेक्चर में पूरा जीएसटी घुमा के लाऊंगा पहले मैं आपको कि यार क्या क्या मिलने वाला है इसमें ना समझना रही बात उससे पता फायदा क्या होगा कि जब मैं आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा रहा होऊंगा ना तो आपको पता होगी कि इस समय इस मैप के अकॉर्डिंग आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो कितना कर चुके और कितना करने वाले हो इज इट ओके तो एक माइंड सेट हो जाएगा जस्ट लाइक दैट कि पुणे शहर का मैप देखना है तो हेलीकॉप्टर में बैठा के पहले घुमा के दिखा दे कि देखो ऐसा दिखता है पुणे ऊपर से और फिर एक एक गली को हम देखकर चलेंगे हर पेंट में चलेंगे जहां भी जाना होगा उसके बाद राधे राधे, राधे शिव 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 और पता नहीं जाने को मन नहीं कर रहा मेरा और हां और सबसे बड़ी बात क्या कल कल एक चीज होगी हमारी ये कल हम पहली बार आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे विद द जीएसटी पोर्टल हर तरह का मसाला मिलेगा आपको यहां पर और कैसे कैसे यहां पर रजिस्ट्रेशन होते हैं किस तरह से फॉर्म यहां पर भरा जाता है एंड ये आ गया आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कैसे सिलेक्शन हो स्टेट में है सब यहां पर हम बात करके चलेंगे तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राधा रानी कृपा आपको पर ही बनी रहे बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच बाय टाटा और ऑनलाइन वाले आपको भी नमस्ते हैं थैंक यू कल मिलते हैं शार्प सेवन फोर्टी फाइव राइट थैंक यू थैंक यू राधे राधे